Which of the following statement is incorrect regarding mitochondria? Matrix possess single double-stranded circular DNA molecule and ribosome of 70S type. सही है. Site of aerobic and anaerobic respiration. नहीं. It is the site of only the aerobic respiration. इसी पर सिर्फ aerobic respiration का type site होता है तो ये गलत हो जाएगा. Outer membrane form the continuous limiting boundary of the organelle, while the inner membrane is folded into cristae. Yes. अपने पास देखो. ये बोल रहा है कि यार हमारे पास जो आउटर लेयर है द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल. ठीक है. ओके. द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड एज क्रिस्टे. और क्रिस्टे में क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. नो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो ये सही है अपने पास. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फ्यूजन लाइक डिविजन टू इंक्रीज द नंबर. यस, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फ्यूजन. Two most important property of malignant tumor is metagenesis and metastasis. No, metastasis and angiogenesis. Metastasis का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और angiogenesis का मतलब है angio. The father of the study of blood circulation is known as angiology. यहाँ पे angiogenesis मतलब blood vessel का formation. Blood vessel का formation क्यों हो रहा है? Blood vessel का formation इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने को न्यूट्रिशन चाहिए, और वो चाहिए इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर को. विच इज द फॉलोइंग? ओके, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन. ठीक है. ओके, पोटेशियम. पोटेशियम की बात करेंगे. पोटेशियम की बात करते देखो. पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. मतलब पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन द स्टोमेटल मूवमेंट. तो एक अट्टू हो जाएगा. एक अट्टू दो दो में है, वे एंड बी. बी की बात करेंगे. सल्फर. सल्फर इज द सल्फर का नहीं है तो सल्फर की बात करेंगे. सल्फर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेरिडॉक्सिन. ठीक है ना. एंड मॉलिब्डेनम. जिंक की बात कर लेते हैं. जिंक देखो. जिंक इज स्पेशली रिक्वायर्ड एंड नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए जिंक चाहिए, और क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए अपने को आयरन चाहिए. क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए अपने को आयरन चाहिए. मैग्नीशियम चाहिए जो रिंग स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन और सिंथेसिस के लिए आयरन चाहिए. तो अपने पास क्या हो जाएगा? जिंक इज इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीजन सिंथेसिस. डी का क्या हो जाएगा? 3. तो ये देखा पहला ऑप्शन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन. द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन. यस, इट इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन विच मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट. किस लिए? क्योंकि भाई ये मरुस्थल है मृत आरबीसीओं का. दैट इज ही इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी. तो यहाँ पे क्या होंगे? मरे हुए आरबीसी को क्या किया जाएगा? फेगोसाइट किया जाएगा. ओके, दैट इज वाई इट कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट. तो ये सही हो जाएगा. द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी. यस, हमने बोला कि पोलियो का वैक्सीन आपको लिएगा, उसका मतलब है कि उसने क्या दे दिया आपको? ऐसा पोलियो के वायरस दे दिए जो कि कैसे है? एटीन्यूटेड या फिर वीकेंड है. तो वो बेस्ड ऑन मेमोरी की. अगले देखो भाई, ये देखो, ये पोलियो का वायरस है, अगली बार आए तो उसको मार देना. ठीक है. तो ये क्या बता रहा है? प्रिंसिपल इट इज इन्वॉल्व. बिल्कुल, द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी. ये मेमोरी पे बेस्ड है. अगली बार पोलियो का है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पोलियो वायरस दिखता कैसे. ये पोलियो का वायरस है, कुछ और का आम वायरस नहीं है ये. तो ये भी सही है. ग्राफ्ट रिजेक्शन और द फेलियर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. यस, करेक्ट. येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम हैज अबंडेंट अमाउंट ऑफ IgA एंटीबॉडी विच प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी. नो, ये एक्टिव नहीं, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं न्यू बॉर्न बेबी को. तो अपने पास क्या है? 1, 2, 3 गलत सही है, और हमारे पास फोर्थ गलत. देखो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है. देखो एनसीईआरटी की बात देखो, आपने क्या है कि हमने क्लियर करेंगे, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर एनसीईआरटी की बात करेंगे. एग्जाम में आना क्या है? एनसीईआरटी एग्जामी का एग्जाम रिवीजन विधिक चीज़ें देखी हुई है एनसीईआरटी में कहाँ पे है, तो आधी से तो याद हो जाएगी. और पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाना होता है यार, पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाना. तो भूलने के लिए नहीं, भूलना तो एक दिन है. जल्दी किसको भूलना है? लेट में किसको भूलना है? अपने को लेट में भूलना है. तो अपने पास है कि देखो बोथ है. बिल्कुल. द स्प्लीन इज अ लार्ज, इट इज अ बीन शेप्ड एंड इट इज एन ऑर्गन. आज के जमाने में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि लार्ज है कि बीन शेप्ड है कि ऑर्गन है कि सेल है ना. तो इट इज एन ऑर्गन.
विच मेनली कंटेन द लिम्फोसाइट एंड द फेगोसाइट्स, क्या करता है ये फिल्टर करता है ब्लड को इसलिए। ओके बोल बोल बोला तो जा सकता चीज़ों को, लेकिन चीज़ें देखी हुई होगी एनसीईआरटी में कहाँ पे है, तो भाई ये भी रहेगा क्योंकि लोग बोलते हैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं, एनसीईआरटी से अंदर ही आना है, थोड़ा सा ऊपर आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, तो सही है ये। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, तो दूसरा भी सही है। ग्राफ्ट रिजेक्शन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, भाई हमने पास 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, 90 से 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर भी आ गया, तो अपने पास 85 क्वेश्चन पर अपन को फोकस करना है यार। 85 × 4 कितना होता है, 5 × 4 = 20, तो कितना हो रहा है, 340 हो रहा है ना, 340 हो रहा है ना, तो 340 कोई कम है क्या, नहीं है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, यस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, यस हमने बोला कि टिश्यू लिया था दूसरे का, वो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है, कौन करेगा रिजेक्ट, है ना। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसमें भी कौन सा, टी, टी वाला मेन होगा, टी वाला मेन होगा, टी लिम्फोसाइट मेन होंगे। ओके फिर बात करते हैं, द येल्लो इज फ्लूड कोलेस्ट्रम सिक्रेट बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल फ्लक्टेशन विच इज आई जी ए, मतलब कोलेस्ट्रम में आई जी ए पाया जाएगा, आई जी ए दैट प्रमोट द इन्फेंट, ओके दैट प्रोटेक्ट द इन्फेंट, नॉट प्रमोट, दैट प्रोटेक्ट करेगा इन्फेंट को। इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, कैसा इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी, जब रेडीमेड एंटीबॉडी दिए जाएंगे तो उसको पैसिव बोलेंगे, और ये रेडीमेड एंटीबॉडी मदर से कहाँ आ रहे हैं, फिटस में, मदर सॉरी इन्फेंट में, तो ये पैसिव है नॉट एक्टिव, तो गल जाएगा। तो अपने पास 1, 2, 3 सही है, फोर्थ वाला गलत जाएगा, 1, 2, 3 करेक्ट इस, हमको पूछा गया है राइट, पूछा राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या पूछा ये भी देखना जरूरी होता है, क्या पूछा ये भी देखना जरूरी होता है, 1, 2, 3 इज करेक्ट एंड 4th इज इनकरेक्ट। ओके चलो हमने बस ट्रिक्स देखते हैं, ट्रिक्स देखते हैं, ट्रिक्स देखते हैं, बिल्कुल सही, देखो देखो चार्ल्स जेवियर हैड ए रैपिड परफॉर्मेंस, तो चार्ल्स जेवियर के सी से क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन, अपने पास जाइलम के एक्स से क्या हो जाएगा, अपने पास जाइलम डिफरेंशिएशन, हेड से क्या हो जाएगा, टू हर्बिसाइड, हर्बिसाइड कौन सा, 2,4-D, क्योंकि इसको किल करेगा डाइकोट को, वीट को, डाइकोट को किल करेगा, डी से डी मिला हुआ आंसर पाओ, डाइकोट को किल करेगा, डाइकोट क्या करेगा, किल करेगा। रैपिड के आर से क्या हो जाएगा, रूट इनिशिएशन, रैपिड के आर से क्या हो जाएगा, रूट इनिशिएशन, ए से क्या हो जाएगा, एब्सेशन, ए से क्या हो जाएगा, एब्सेशन, ए से क्या हो जाएगा, एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब है कि बूढ़े हुए पत्ते, बूढ़े पत्ते को मार देगा, नए नए अच्छे पत्ते को बचा के रखेगा। पी से पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, और ए से क्या हो जाएगा, एडी से एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस परफॉर्मेंस की। पी और एफ से क्या हो जाएगा, पाइनएप्पल फ्लावरिंग, पी और एफ से क्या हो जाएगा, पाइनएप्पल फ्लावरिंग, पाइनएप्पल फ्लावरिंग। ओके तो अपने पास ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, रूट इनिशिएशन ऑन कटिंग द स्टेम, तो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, देखो दो में दिया सी और डी में। अब जिबलिन की ट्रिक देख लेते हैं, जिबलिन की ट्रिक देख लेते हैं अपने पास, गब्बर सिंह, जी ए बी बी ए आर, गब्बर सिंह फिर सेंट्रल जेल से भागा, तो गब्बर सिंह के जी से क्या जाएगा, ग्रेप, अगर ग्रेप दिखे आपको क्वेश्चन में तो ग्रेप देखते ही अपने क्या लगाना है, जिबलिन ट्रिक लगाना है, एप्पल है ना, ग्रेप एप्पल मतलब ग्रेप की स्टॉक को लंबा करेगा एप्पल, और बोल्टिंग तो करता ही है बिल्कुल,
सिंह से याद रखेंगे अपने पास सेनी सेंस, सेनी सेंस क्या, सेनी सेंस क्या करेगा, डिले करेगा, सेनी सेंस क्या करेगा, डिले करेगा, सेनी सेंस डिले करेगा। और एक गब्बर सिंह के बी से क्या आएगा, बी से आ जाएगा ब्रेक डाउन ऑफ डरमेंसी को ब्रेक डाउन करेगा। देखो ब्रेक डाउन ऑफ डरमेंसी आते ही अपने को क्या लगाना है, जर्मिनेशन को ब्रेक डाउन करने का मतलब ब्रेक सी डॉर्मेंसी, ब्रेक सी डॉर्मेंसी है ना, मतलब जर्मिनेशन आते ही जिबलिन ट्री लगाना है बिल्कुल। और सनी सेंस में डिले करेगा और फिर मतलब फर्मेंटेशन में काम आएगा, फिर मतलब फर्मेंटेशन में काम आएगा। तो सेंट्रल जेल से मतलब जोवेनाइल कॉनिफर, देखते ही जोवेनाइल कॉनिफर की बात करते ही अपने क्या लगाना है, जिबलिन से मतलब सेनी सेंस, सेनी सेंस मतलब बुढ़ापा को क्या करेगा, डिले करेगा। और यहाँ पे एक सेनी सेंस है हमारे पास, देखो यहाँ पे देख, सेनी सेंस तो हो गया ना बिल्कुल, दो दो क्यों कर लिया, यहाँ पे सेनी सेंस डिले कर दिया। और क्या करेगा, शुगर केन, शुगर केन में क्या करेगा, शुगर केन की बोल्टिंग करेगा, बोल्टिंग भागा मतलब बोल्टिंग, बोल्टिंग मतलब इंटरनोडल इलांगेशन। शुगर केन मतलब गन्ने के खेत में क्या करेगा, उसके गन्ने के तने को लंबा कर देगा। तो 20 टन से, जो 20 टन पर एकड़ से उसकी प्रोडक्टिविटी को गाया है बढ़ा देता है, 20 टन पर एकड़ से उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है बढ़ा देता है, इसमें शुगर केन, शुगर केन क्योंकि किसकी ट्रिक, जिबलिन की। तो जिबलिन में अपने पास क्या हो जाएगा, जिबलिन में अपने पास क्या हो जाएगा, जिबलिन में अपने पास क्या हो जाएगा, जिबलिन में क्या हो जाएगा अपने पास है ना, इंड्यूस फ्रूट रैपिंग इलांगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्रॉप प्लांट। यस, जो जेनेटिकली ड्रॉप प्लांट है उसका इलांगेशन कौन करता है, जिबलिन। तो बी का पी, बी का पी, बी का पी रहा। साइटोकाइन की बात करें, साइटोकाइन की बात करेंगे, देखो अपने पास साइटोकाइन की ट्रिक क्या है, सी एन सी डी ओ डी, एडी का, ओडी का भाई, ओडी ओडी ला, ठीक है ना। तो सी एन मतलब सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा। और क्या करेगा, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस। सीडी से क्या बोलेंगे, सीडी से क्या हो जाएगा अपने पास, सीडी से क्या हो जाएगा, मॉर्फोजेनेस, मॉर्फोजेनेसिस। फिर सीडी से, सी से क्या होगा, सी से क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब है ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज कर देगा, क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज कर देगा, न्यूट्रिएंट मोबिलाइज करेगा, क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करेगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, रिचमंड लैंग इफेक्ट बोलूंगा, क्या बोलूंगा, रिचमंड लैंग इफेक्ट। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन इज नोन एज रिचमंड लैंग इफेक्ट, ओडी। ओडी से क्या हो जाएगा अपने पास, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस है ना, ओ ए से, ओ ए छोड़ो, ओडी लिखते हैं इसको, ओडी है बिल्कुल, ओवरकम डोमिनेंस, ओवरकम डोमिनेंस, ओवरकम डोमिनेंस। डोमिनेंस को क्या करेगा, ओवरकम करेगा। और ला, ला मतलब ला, एल से क्या हो जाएगा अपने पास, एल से क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा लेटरल रूट्स, एल से हो जाएगा लेटरल रूट्स है ना, लेटरल शूट ग्रोथ, सॉरी लेटरल शूट ग्रोथ, लेटरल शूट आते ही अपने पास कौन हो जाएगा आंसर, साइटोकाइनिन है ना, ये हो जाएगा साइटोकाइनिन की ट्रिक है ये। और ला के ए से क्या हो जाएगा अपने पास, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस ग्रोथ, एडवेंटिशियस ग्रोथ, एडवेंटिशियस ग्रोथ कौन करेगा अपने पास, एडवेंटिशियस ग्रोथ कौन करेगा, साइटोकाइनिन। देख लेते हैं, चलो इसका एक ही में देख लेते हैं, देखो यहाँ पे कि जिसको लिखने में प्रॉब्लम आई तो यहाँ पे, यहाँ पे देख लिया जाएगा बिल्कुल। चार्ल्स जेवियर हैज अ रैपिड परफॉर्मेंस, हैड अ रैपिड परफॉर्मेंस, सेल डिवीजन, जाइलम डिफरेंशिएशन, हर्बिसाइड 2,4-D। ओके, जाइलम डिफरेंशिएशन है ना, सेल डिवीजन हो गया अपने पास, जाइलम डिफरेंशिएशन, हैड 2,4-D, हर्बिसाइड्स ठीक है ना, 2,4-D डाइकोट क्या करेगा, मारेगा, मुझे कुछ नहीं करेगा। स्पेसिफिक एंजाइम अलोंग विथ कोलोटाइल एंड कोलोराइज, सही है। रैपिड 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 के आर से रूट इनिशिएशन, कटिंग ऑफ स्टेम ने रोज, गुलाब के पेड़ को काट के लगाया तो किस चीज का काम आया, ऑक्सीजन का काम आया। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी,
पार्थेनोकार्पी टमाटो और बनाना में, पार्थेनोकार्पी कहाँ पे टमाटो और बनाना में करेगा परफॉर्मेंस, मतलब पाइनएप्पल फ्लावरिंग, और ये ऑब्सेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, मतलब पत्ते झड़ने में बचेगा। और ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जिबरेलिन की जिसको ये देखो नहीं दिखा, तो यहाँ पे गब्बर सिंह से ग्रेप की स्टॉक एप्पल इंप्रूव करेगा, बी से बोल्टिंग है ना, इंटरनोड इलांगेशन बिल्कुल, बीट रोट कैबेज एंड रोसेट हैबिट में। ओके, सिंग मतलब सी डोरमेंसी को ब्रेड करेगा फर्मेंटेशन, बिल्कुल सेंट्रल जेल से सैनी सेंस क्या करेगा, डिले करेगा। देखो जर्मिनेशन देखते ही अपने पास क्या बोलेगा, जर्मिनेशन देखते ही अपने पास क्या आएगा, अपने पास जर्मिनेशन देखते ही जिबरेलिन की ट्रिक आनी चाहिए। जर्मिनेशन बोलते ही अपने पास आँख बंद करके जिबरेलिन, जर्मिनेशन देखते ही आँख बंद करके जिबरेलिन, एपिकल डोमिनेंस देखते ही आँख बंद करके ऑक्सिन, और डिले इन लीफ सेनेसेंस देखते ही आँख बंद करके साइटोकाइनिन, डिले इन लीफ सेनेसेंस, डिले इन लीफ सेनेसेंस क्लोरोप्लास्ट है ना, डिले इन लीफ सेनेसेंस इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिले इन लीफ सेनेसेंस, डिले 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 इन लीफ सेनेसेंस। सेल डिवीजन तो कराता ही कराता ही कराता ही है, बिल्कुल बिल्कुल। मॉर्फोजेनेसिस दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर में काम आता है, रिचमन लैंग इफेक्ट है ना, डिले इन लीफ सेनेसेंस बिल्कुल, न्यूट्रेंट बाई न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन, और ओवरकम डोमिनेंस, ओवर काम करेगा एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा, लेटरल शूट ग्रोथ कराएगा, एडवेंटिशियस ग्रोथ कराएगा, लेटरल शूट ग्रोथ कराएगा, एडवेंटिशियस ग्रोथ कराएगा, क्योंकि हमारे पास एपिकल डोमिनेंस करता है। अपने पास से जाएगा ठीक है ना, इथाइलिन को बच्चा बच्चा आनता है, इंड्यूस फ्रूट राइपनिंग है ना, एंड फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर, मतलब है ना, मतलब छोड़ो, अरे इथाइलिन रिचमंड लाइन इफेक्ट, डीकट्टी डीकट्टी, ओके सॉरी साइटोकाइन है ना, साइटोकाइन है ना, बिल्कुल इथाइल नहीं है, साइटोकाइन है, सिकटी सिकटी। विच द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल दैट इंटरेक्ट विद कैनाबिनोइड रिसेप्टर प्रेजेंट मेनली ऑन द ब्रेन एंड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ना सिर्फ सिर्फ ब्रेन में पाया जाता है यार, इसके रिसेप्टर होते हैं सिर्फ ब्रेन में पाए जाते हैं ना, प्रिंसिपल इन द ब्रेन। देखो हमको बोला है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर आर प्रेजेंट प्रिंसिपल इन द ब्रेन ओनली, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है यहाँ पे तो ऑफियोड के रिसेप्टर पाए जाते हैं, नॉट कैनाबिनॉइड, तो ये गया होगा, गलत हो जाएगा, अभी गलत पूछा पहला ही गलत है, चलो और ही पढ़ लेते हैं। कैनाबिनॉइड आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सैटिवा, सही बात, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस नॉट द लेटेक्स है ना, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सैटिवा। कैनाबिनॉइड इंक्लूड है ना, कैनाबिनॉइड्स इंक्लूड मुरेजाना हशीश चरासन गांजा, कैनाबिनॉइड्स इंक्लूड मुरेजाना चरस एंड गांजा। कैनाबिनॉइड आर जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, क्वेश्चन आ चुका, पहले भी आ चुका, एनटीए के पेपर में आ चुका, बताओ इससे पहले वाला में आया था ना, बताओ भाई हमारे पास ऑफियोड कैसे लेते हैं, दे आर जनरली स्नॉटेड और इंजेक्शन ठीक है ना, बट यहाँ पे हमने बोला कैनाबिनॉइड को क्या लेता है, इनहेलेशन है ना और ओरल इंजेक्शन, इनहेलेशन नाक से और ओरल इंजेक्शन ठीक है, सूंघा जाता है ओरल इंजेक्शन ठीक है, ये हो गया, ये बिल्कुल सही है। विच इफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, इसलिए तो इसको लेते हैं स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं कैनाबिनॉइड्स, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, इसलिए तो क्या लेते हैं कौन इसको, इसको यूज करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन ठीक है। तो पहला लग क्या है, गलत है। When a cell is placed in solution of different concentration, the cell swell. Swell कब होगा, देखो swell कब होगा, जब बाहर वाला concentration क्या है, बाहर वाला concentration ज़्यादा है कि कम है, कम है, hypotonic है, बाहर वाला क्या है hypotonic, तो बाहर से पानी अंदर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, swell हो जाएगा, swell हो जाएगा, swell हो जाएगा, तो पहला वाला क्या हो जाएगा hypotonic में, तो swell हो जाएगा और shrink कर जाएगा जब इसको hypertonic में रखेंगे तो। फॉलोइंग आर सम इवेंट ऑफ माइटोटिक सेल डिविजन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन विच दिस सेल दिस इवेंट अकर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कम्प्लीटेड, तो ये कम्प्लीट कब होता है, मेटाफेज में, क्रोमोजोम लूज द इन आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट, ये कब लूज करते हैं, टीलोफेज में, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कब होता है, एनाफेज में, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर कब होता है, प्रोफेज में, तो फोर होगा सबसे पहले, फिर होगा कंडेंसेशन मेटाफेज, ये हो जाएगा अपने पास देख लेते, चलो इसको लिख लेते हैं, इनिशिएशन कब होगा, प्रोफेज में, कंडेंसेशन कंप्लीट कब होगा, मेटाफेज में, क्रोमोसोम लूज द आइडेंटिटी टेलोफेज, सिस्टर कंप्लीट एनाफेज, तो प्रोफेज पहले, तो फोर फिर वन
थ्री फिट टू, 4132, ये रहा पहला, दूसरा ऑप्शन देखो। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल कब हो रहा है? प्रोफेज, प्रोफेज में हो रहा है। मेटाफेज में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड मेटाफेज। मिथुन 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 से याद रखेंगे, अपनी ट्रिक क्या है? मिथुन मिथुन मिथुन, ठीक है ना। तो मेटाफेजिक प्लेट मैक्सिमम कंडेंसेशन एंड मॉर्फोलॉजी देखने के लिए मेटाफेज, और सेंटर में पोजिशन देखने के लिए एनाफेज होता है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका। एनाफेज में क्या होगा? स्प्लिट, कौन स्प्लिट होगा, है ना, बिल्कुल सेंट्रोमेर स्प्लिट हो जाएगा एनाफेज में। और टीलोफेज में क्या हो रहा है? टीलोफेज में क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट एंड एंड देयर आइडेंटिटी एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट इज लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर गेस्टुलेशन, और विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर गेस्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर, बिल्कुल सही है। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट का मतलब समझते हैं यहाँ पे, परफॉर्म एम्ब्रियोनिक मूवमेंट, तो बिल्कुल होता है यार, गेस्टुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद फ्लूइड फिल्ड कैविटी, सही बात है। फॉर्म, नो 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 नो, गलत बात है। देखो सर, बात इसी है कि ब्लास्टोसिस विद फ्लूइड फिल कैविटी, ये गैस्ट्यूला का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ब्लास्टुला कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ थ्री प्राइमरी जर्म लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। द फॉर्मेशन ऑफ थ्री प्राइमरी जर्म लेयर, डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ एपिप्लास्ट एंड हाइपोप्लास्ट फ्रॉम जर्मिनल डिस्क, बिल्कुल सही है। देखो ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टुला जो होना है, ब्लास्टोसिल जो है ना, वो कब देखने को मिलेगा? ब्लास्टोसिस्ट मतलब ब्लास्टुला स्टेज में देखने को मिलेगा, ब्लास्टोसिस्ट फ्लूइड विद कैविटी, ब्लास्टोसिल। ने हमको पूछा गया गैस्ट्रुला के लिए, पूछा गैस्ट्रुला के, पूछा गैस्ट्रुला के, पूछा गैस्ट्रुला के, है ना। ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा? गैस्टुला। मॉरुला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? मॉरुला। तो मॉरुला इज 8 to 16 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज, आंसर ने सीबीसी की बात की है। 8 to 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड एज मॉरुला, और 64 सेल स्टेज इज कॉल्ड एज ग्लैस्टुला। Which of the following is involved in the synthesis of plant hormone IAA and the vasoconstrictor serotonin? ठीक है, तो अपने पास ट्रिप्टोफेन जो होता है ना, वो ऑक्सिन की सिंथेसिस भी करता है और सीराटोनिन की सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है, ये बोल रहा है। देखो प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA है ना, CPPMT में आया था, CPMT 1990 क्वेश्चन है भाई। प्रीवियस देखो, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का दिख जाएगा आपको, जो बाहर का है वो प्रीवियस ईयर का है, कहीं बाहर का नहीं है, वो अंदर का ही है, बिल्कुल। प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA पुरानी एनसीईआरटी का है। प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA इज ट्रिप्टोफैन, प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA इज ट्रिप्टोफैन, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एनसीईआरटी की है, सब दिखेगा, लेकिन थोड़ी समय की कमी हो रही है अभी। ऑक्सिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, यार इसको छोड़ो, बिल्कुल हमने बोला ट्रिप्टोफैन का ये क्या है, सब प्रिकर्सर है। IAA कहाँ से बनता है? ट्रिप्टोफैन से बनता है। सेटन कहाँ से बनता है? ट्रिप्टोफेन से। इन विच द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस, मतलब मेल अलग में फीमेल अलग में कहाँ देखने मिलेगा? तो परमानेंट टिक अपने पास है क्या? मैगडी, मैगडी का बग आता है ना, मैगडी का बगर, मैगडी का बग आता है ना, बिल्कुल आता है। तो मार्केंसिया साइकस डायोसियस, डायोसियस मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो मार्केंसिया में होता है, साइकस आएगा बाद में, उसमें भी होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी मेल और फीमेल कौन डिफरेंट डिफरेंट पाया था। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पर्म इन द सीमेन इज कॉल्ड एज, अगर नंबर कम हो जाएगा तो क्या कहेंगे? ऑलिगोस्पर्मिया, एंड इज ड्यू टू द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। देखो ये तो आता है क्वेश्चन, देखो आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी क्वेश्चन आ चुका प्रीवियस ईयर, ठीक है। देखो के कर्नाटक का सीटी में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कंडीशन वेयर द मोर्टिलिटी ऑफ द स्पर्म इज हाईली रिड्यूस। जब मोर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एथिनोस्पर्मिया। जब मोर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगा तो उसका एथिनोस्पर्मिया बोलेंगे, जब उसका नंबर कम हो जाएगा तो ऑलिगोस्पर्मिया, और होच ना मतलब एक भी अपने को स्पर्म दिखे ना तो क्या बोलेंगे? देखो एक भी नंबर ना हो तो क्या बोलेंगे इसको? एजोस्पर्मिया, आइदर एब्सेंस और नियरली एब्सेंस ऑफ द स्पर्म, एजोस्पर्मिया। एक भी ना मिले तो एजोस्पर्मिया, और बहुत कम मिले तो ऑलिगोस्पर्मिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्रिप्टोऑर्गेनिज्म, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म मीन्स अंडरस्टैंड डिसेंडेड टेस्टिस कंडीशन, टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, इज कॉल्ड एज क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। भाई क्वेश्चन आया तो भाई हमको आगे पीछे की बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए यार। तो दबाओ बटन, दबाओ बटन, दबाओ, बिल्कुल
शेयर करना पड़ेगा यार, टाइम दिया हूँ, शेयर करना पड़ेगा। एस्थिनोस्पर्मिया रिड्यूस मोडिलिटी ऑफ स्पर्म इन सीमेन। एस्थिनोस्पर्मिया में क्या हो जाएगा, मोडिलिटी कम हो जाएगी, मोडिलिटी कम। टेरेटोस्पर्मिया टेढ़े-मेढ़े स्पर्म, टेरेटो से कैसे करते हैं, टेढ़े-मेढ़े स्पर्म, टेढ़े-मेढ़े मतलब एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, टेढ़े-मेढ़े स्पर्म मतलब एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन सब कवर करेंगे, सब कवर करेंगे, आएगा तो बाहर का कहीं आएगा नहीं। और क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, देखो आज ये पूछ रहा है ओलिगोस्पर्मिया क्या, कल ये पूछेगा एजोस्पर्मिया क्या, क्वेश्चन तो वहीं से पूछा जाएगा, अलग क्वेश्चन नहीं है साहब, वही क्वेश्चन है। अब हमारी गलती हम नहीं पढ़े तो आगे पीछे मतलब भाई है, उसके आगे पीछे मतलब यही होता है। आज ओलिगोस्पर्मिया पूछा है तो कल एजोस्पर्मिया पूछेगा, इसका मतलब हमको पैटर्न समझना है, पैटर्न समझना है। विच द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस एक्सेप्टेड माइसिलियम, बेसिडोमाइसिस का मेंबर नहीं है ये तो। फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस देखो तीन चीजें मैंने में जो गौर किया, फाइटोप्टेरा से पूछेगा या फिर अल्टरनेरिया से पूछेगा, बस पक्का है फंजाई क्वेश्चन आएगा, फाइटोप्टेरा से आएगा या फिर अल्टरनेरिया से, क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद 85 पेपर आ चुका है, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो इतना समझ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। तो बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ। फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस की बात करेंगे तो वही से तो हमको क्या मिलेगा यार, टाइम देने का मन करेगा, नहीं तो भाई बिना मतलब को टाइम दे देंगे और कुछ होगा नहीं, फिर मजा नहीं आएगा यार, ठीक है ओके। फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस क्लास कॉज है ना, बिल्कुल क्लास ने कॉज दिया, कॉज दिया, कॉज दिया लेट ब्लाइट ऑफ पेटो। देखो फाइटोप्टेरा पहले पढ़ते हैं ना फाइकोमाइटोसिस में, तो लेट ब्लाइट पेटो करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पेटो कॉज करता है, ठीक है ना। और अल्टरनेटिव बाद में पढ़ते हैं ड्यूटेरियोमाइसिस में, तो ऑली ब्लाइट ऑफ पेटो कॉज करता है, ठीक है ना। ऐसे पहले वाला बाद वाला, अब बाद वाला पहले वाला, ठीक है ओके। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फेमाइना फाइल एंड कव कस किया था 1985 में, किसने कस किया था, फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस, तो स्टार लगा लेना बिल्कुल ओके। तो ये बेसिडोमाइसिस है ही नहीं, ये तो फाइकोमाइसिटिस है। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट ड्यूटेरियोमाइसिस, बिल्कुल देखो अल्टरनेरिया आ गया, फिर से आ गया, इनका फेवरेट है, इनका फेवरेट है फाइटोप्टेरा और अल्टरनेरिया। इट कस लेट बेटर पेटो, लेट ब्लाइट नो अर्ली है ना, क्योंकि लेट में आया तो अर्ली है बिल्कुल, है ना। ड्यूटेरियोमाइसिस बाद में आता है, पढ़ाते हैं बाद में, तो वो क्या आता है पहले आएगा, बाद में पढ़ाते हैं तो अर्ली बेटर पेटो, ऐसे नहीं उल्टा तरीका होना चाहिए याद करने का यार बस। म्यूको रिप्रोडक्शन बाई कंजुगेशन एस्कोमाइसिटिस ना, हमने बोला देखो आर ए एम राम या राम से रहेंगे फाइकोमाइसिटिस मेंबर, राइजोपस एल्ब्यूको एंड म्यूकर दिस आर द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस, तो ये एस्कोमाइसिटिस नहीं है। एग्रीकल स्पेसिफिक फंगाई नहीं, इट इज एडिबल फंजाई नॉट पैरासिटिक फंजाई, ये एडिबल फंजाई, इसका एडिबल पार्ट क्या है बेसिडोकार्प, बेसिडोकार्प है, इट इज एन एडिबल फंजाई बिल्कुल, वेरी डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस मस्ट है बिल्कुल यार। लेबलिंग भी बॉन्ड है, पेलियस है, गिल्स है, वेलम है, स्टाइप है, पेलियस से गिल से वेलमेन स्टाइप है, पेलियस से गिल से वेलमेन स्टाइप है, पेलियस से गिल से वेलमेन स्टाइप है बिल्कुल। चलो इतना बोलेंगे तब तो याद होगा, अरे भाई ये गलत है यार, पैरासिटिक नहीं है ना बिल्कुल। चलो अपने पास एक ही सही है बस, अल्टरनेरिया वाला। मेमोरी ग्लैंड ऑफ वुमेन इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, अरे यार पहला देखेंगे मेरे जैसे लोग टिक कर देंगे फट से, पहला सही है, गलत हो जाएगा फिर। अरे भाई चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत, एग्जामिनर इसी चीज़ खेलेगा, एग्जामिनर को गलत करवाना है क्वेश्चन, और हमको क्या करना है गलत होने नहीं देना, ठीक है। तो हमने बोला मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है क्या, बिल्कुल, लेकिन प्राइमरी सेक्शन में बिल्कुल नहीं है, लेकिन तो भाई एक्सोक्रीन ग्लैंड भी तो है बिल्कुल, एक्सोक्रीन मतलब ऐसे ग्लैंड के पास डक्ट होता है, तो एसी आएगा ना, एसी आएगा ना बिल्कुल बिल्कुल। दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, दे आर कंपाउंड टिब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड, दिस आर कंपाउंड टिब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड, दिस आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, यस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, साइटोस्केलेटन आर द फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, अपने पास परमानेंट ट्रिक है यार इसकी, अपने पास परमानेंट ट्रिक है इसकी, परमानेंट ट्रिक क्या है अपने पास, एफ पी एस, फुट पाउंड एंड सेकंड लिखता है ना, एफ पी एस यूनिट है ना, ऐसा यूनिट होती है ना, ऐसा यूनिट नहीं होती है ना, आपने बोला ठीक है ना, तो पढ़ाते हैं ना फिजिक्स में फुट पाउंड एंड सेकंड, तो फुट पाउंड एंड सेकंड मतलब फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होते हैं कौन, बिल्कुल स्टूडेंट साइटोस्केलेटन का तो क्वेश्चन पक्का है साहब, क्योंकि इतने क्वेश्चन आ रहे हैं बल्क का बिल्कुल पक्का है, छोटा सा तीन चार लाइनें हैं बस, चार क्वेश्चन आना है बिल्कुल यहाँ से, है ना। एफ पी एस बिल्कुल सही है, देखो तो ये अपने पास सही है ना पहला ऑप्शन, साइटोस्केलेटन प्रोवाइड, देखो अब इसकी ट्रिक है अपने पास, मिथुन 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 मेटाफिजिक प्लेट था, मैक्सिमम कंडेंसेशन था, मॉर्फोलॉजी थी, अब उसी में मिथुन 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 लिखते हैं बिल्कुल, मिथुन 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 मोटिलिटी मेंटेनेंस एंड मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, साइटोस्केलेटन, मोटिलिटी मेंटेनेंस एंड मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी मेंटेनेंस एंड मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, तो मिथुन 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 दो की ट्रिक है, एक तो मेटाफेज की ट्रिक है और एक तो साइटोस्केलेटन की ट्रिक है,
साइटोस्केलेटन हेल्प इन मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल, बिल्कुल सही अभी बात किया। साइटोस्केलेटन आल्सो अकर इन प्रोकैरियोटिक ग्रोथ। देखो ये तीनों सही है तो ये गलत है, असलियत में तो अपने पास क्या है कि ये भी सही है कि साइटोस्केलेटन पाया जाता है प्रोकैरियोट में, फ्लैजिला सीलिया, ये साइटोस्केलेटन नहीं है क्या? नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो नाम से काम पता चल रहा है, साइटो कोई सोचता है, मैं सोचता हूँ साइटो, साइटो मीन साइटोप्लाज्म स्केलेटन, जो हमारे अंदर स्केलेटन है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको क्या बोलोगे? साइटोस्केलेटन बोलेंगे। तो प्रोकैरियोट नहीं पाया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये रहा म्यूल, म्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल। तो हम सैटर ने हमको साथ साथ पूछा, बताओ बे डू यू नो व्हाट क्रॉस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ म्यूल? यस आई नो, कौन सा क्रॉस? यू ऑल्सो नो। हमने बोला मैं एम डी, एम डी होता है ना यार, एम डी नहीं आते क्या? मास्टर डिग्री, ओके। तो एम डी, ओके एम डी को क्रॉस करो, बिल्कुल। मेल डोंकी क्रॉस करो, उल्टा कर दो इसका, मेल डोंकी क्रॉस किए तो मेल डोंकी से क्रॉस नहीं करेंगे यार सर, फीमेल डोंकी से, फिंकेन डोंकी से नहीं, फीमेल डोंकी से क्रॉस नहीं करते, फीमेल हॉर्स से क्रॉस करते। सबको पता, सबको इतना पता कि डोंकी और हॉर्स से होता है, लेकिन मेल डोंकी होता है, फीमेल डोंकी नहीं आता। तो एम डी से रखेंगे, एम डी से, एम डी, एम डी। तो ये हो जाएगा म्यूल का, और हिनी बोला तो उल्टा कर देंगे सर, हिनी बोला तो क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, एम डी क्या कर देंगे? मेल डंकी, तो फीमेल डंकी कर देंगे, फीमेल डंकी, बिल्कुल। तो सॉरी म्यूल, म्यूल इज एग्जांपल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द राइबोसोम। देखो अपने पास है, बोला है 50S, 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 50S एंड 70S कहाँ पाया जाएगा? 70S है ना, 50S और 30S कहाँ पाया जाएगा? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम में। भाई ऐसा इसलिए क्योंकि भाई देखी हुई चीज़ याद होती है यार, बोल तो देंगे हम भी, सुन तो लोगे तुम भी, लेकिन याद तो होना चाहिए ना। देखी हुई चीज़ें रहेगी, डायग्राम रहेगा, बार बार यही डायग्राम आएगा तो फिर याद हो जाएगा, यही फायदा अच्छा हमको अपना विजुअल कॉर्टेक्स के सबसे डेवलप होता है यार, विजुअल कॉर्टेक्स के सबसे डेवलप होता है। 50S, 50S में क्या होगा? 30, 20, ये इम्पोर्ट नहीं है, इम्पोर्ट नहीं है, मतलब याद यहाँ से नहीं होगा, याद यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। देखो 80S है ना, तो यहाँ पे 88 चीज आएगी, 28S आएगा, 5.8S आएगा, और 18S आएगा। 18S है छोटा, तो 40 में आएगा छोटा, 60 में आएगा बड़ा, 88 वाला, 28 वाला बड़ा है ना। और 5S तो कॉमन है ना, 5S इंपॉर्टेंट है, कॉमन दोनों के बीच में, 80S और 70S में कॉमन क्या है? 5S दोनों में होता है, ठीक है, ओके। तो 50S वाले में पाया जाएगा क्या? 50S वाले में क्या पाया जाएगा? 23S। तो वन का क्या हो जाएगा? सी, वन का सी, वन का सी एक ही में है। 30S वाले में क्या पाया जाएगा? 16S। 40S वाले में क्या पाया जाएगा? 18S। और 60S वाले में क्या हो जाएगा? 5.8S और 28S। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। देखो केरला पीएमटी में 2006 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, which is the following subunit of ribosome is composed of 23S rRNA and 5S rRNA, बिल्कुल। अभी बात की है 23S rRNA कहाँ पे देखने को मिलेगा? ओके 50S में देखने को मिलेगा, 50S और 30S जो कि किसका सबयूनिट होता है? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम का, ठीक है ना, ओके आंसर जाएगा ये, ओके। आईओडीज की बात करें, दैट इज इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस, ठीक है। दिस इंटरटेन डिवाइसेस आर प्रेजेंट अवेलेबल फॉर नॉन मेडिकल आईओडीज, दैट इज लिप्स लूप्स, लिप्स लूप्स, कॉपर रिलीजिंग आईओडीज लाइक सीयूटी, कॉपर टी, दैट इज कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ओके, एंड हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज लाइक प्रोजेस्टासेट एंड एनर्जी 20। सबके पीछे में क्या आ रहा है? आईओडीज आ रहा है, बिल्कुल। देखो इसके बाद इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स नंबर 6 है, लेकिन ये क्या काम नहीं करते? ये आईओडीज का काम नहीं करते, देख रहे याद रखना, 6 है नंबर, 3, 3, 6 क्वेश्चन आ जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेज, एम फेज एंड इंटरफेज, है ना। तो कोई लोग सोचते हैं प्रो फेज, मतलब कोई लोग सोचते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ना, इट इज डिवाइडेड टू एम फेज एंड इंटरफेज एंड एम फेज, और एम फेज को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे साइटो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में, ठीक है ना। एम फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 का, इंटरफेज एंड एम फेज। देखो अपने पास ए और सी दोनों में है, और ड्यूरिंग द सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो। तो जीवन फेज के सेल क्या होता है? मेटाबोलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता है। सेंट्रियल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग एस फेज,
द सेल साइकिल इज डिवाइडेड टू बेसिक फेज, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज. और जो एम फेज होगा उस एम फेज को फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, दो पार्ट्स में, कीटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम आर सी एच इन इंडिया वर इनिशिएटेड इन 1951. देखो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है वो कब इनिशिएट हुआ था, 1951 में. तो 1971 में क्या हुआ था, एमटीपी को क्या किया था अपने, एमटीपी को क्या किया था, लीगलाइज किया था इंडिया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना. 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया था, ठीक है ना. ओके ओजोन प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन. देखो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज बैड ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज बैड ओजोन. बैड ओजोन फॉर्म इन लोअर एटमोसफेयर, दैट ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज बैड ओजोन. बैड क्योंकि क्या करता है ये, अपने पास ऑक्सीजन करता है केमिकल्स का, डिस्ट्रक्शन करता है क्लोरीन कायमा का, ऑक्सीजन करता है केमिकल्स का, डिस्ट्रक्शन करता है क्लोरीन कायमा का, दैट इज वाई इट इज बैड ओजोन. द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ एयर टू अकोमोडेट मॉइस्चर. सही बात, अल्टर विंड मूवमेंट पैटर्न. सही बात, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट लाइक फ्लड एंड ड्रॉट. सही बात, अल्टर रेंज ऑफ डिसीज वेक्टर एंड पैथोजन. सही बात, सब सही है साहब. फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन एनिमल एंड देयर फीचर. सुडोसिलोमेट एनसाइलोस्टोम एंड एस्केरिस, क्योंकि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू एसके हेलमेंथिस, दे बिलोंग टू एसके हेलमेंथिस. देखो एसके हेलमेंथिस एस्केरिस दैट इज राउंड वॉर्म, वुचिनेरिया दैट इज फाइलेरियर वॉर्म, एंड एनसाइलोस्टोमा दैट इज हुक वॉर्म, दैट बिलोंग टू एसके हेलमेंथिस. और एसके हेलमेंथिस में सुडोसिलोमेट्स एनिमल काम आते हैं, एसके हेलमेंथिस में सुडोसिलोमेट एनिमल काम आते हैं. तो पहला सही है. रेडिएटा, रेडिएटा मीन्स रेडियल सिमेट्री कहाँ पे देखने को मिलेगी, हमको इन पर पूछा है, ये अपने को एस्टेरिस में और एसिडिया में देखने को मिलेगा. एस्टेरिस में तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, एसिडिया में तो क्या है, सिमेट्रिकल. देखो सीडिया का डायग्राम देख लेते हैं, हमने बोला एनसीडिया ने छापा है एसिडिया का डायग्राम. देखो ये तो एसिमेट्रिक है बिल्कुल, कहीं से कटेगा नहीं, देर इज नो प्लेन दैट इज डिवाइड इंटू दैट डिवाइड सेट इंटू टू इक्वल हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा. तो दूसरा सिमेंट क्या गलत हो जाएगा, ये बी वाला गलत है. चलो पढ़ लेते हैं. मेटाजेनेसिस दैट इज फाउंड इन ओबिलिया एंड फाइसिलिया, दैट इज फाइसिलिया क्या बोलते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वर्ल्ड. तो ओबिलिया और फाइसिलिया में क्या पाया जाएगा, मैंने छाप लिया अपने एडिटिंग कर लिया अपने एनसीईआरटी में, ठीक है ना. हमने बोला ओबिलिया और फाइसिलिया में क्या पाया जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जेनेशन दैट इज मेटास्टेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जेनेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्टेज. बायोलुमिनेसन प्लूरोबैक्टेरिया एंड टीनोफोरा, टीनोफ्लाना, टीनोफोरा का मेंबर ये, टीनोफोरा का मेंबर है ये. इसमें क्या पाया था, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन पाया था, रिप्रोडक्शन इज ओनली बाय सेक्सुअल मीन, किसमें, टीनोफोरा में. इसमें प्लूराके और टीनोप्लाना पाए जाते हैं, देश ऑफ बायोलुमिनेसेंस. तो ये अपने पास बी वाला सिर्फ गलत है. कीमोसिंथेटिक बैटरी आर दोस बैटरिया विच, कीमोसिंथेटिक बैटरिया, ओके द नाइट्रीफाइन बैटरी आर कीमोसिंथेटिक बैटरिया, जो क्या करते हैं केमिकल एनर्जी से ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं. देखिए दे आर कैपेबल, दे डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यस सिंथेसाइज फूड विदाउट लाइट, आर कैपेबल टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर दोस बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज फूड विदाउट लाइट, यस, जैसे कि नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोबैक्टर. नाइट्रोसोमनास हो गया, नाइट्रोकोकस वही है, नाइट्रोबैक्टर. नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस क्या करता है, इट इज ए नाइट्राइट बैक्टीरिया. ये एनोमोनिया को एनएचसी में करेंगे, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस. अपने पास एनो टू से एनो थ्री में कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोबैक्टर. Which of the following pair is related to midbrain of human? Corpus callosum and cura cerebri, नहीं. Corpora quadrigemina, limbic system, नहीं. Limbic system तो four brain के part हो सकता है.
Ascendant area and brain stem. नहीं, cura cerebri and corpora quadrigemina. Yes, cura cerebri and corpora quadrigemina found the mid brain. देखो corpora quadrigemina में तो लिखा है जो कहाँ पर है, dorsal side, पीछे की तरफ है ना. फोर स्वेलिंग होती है corpora quadrigemina, सिर्फ सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है और cura cerebri. Which of the following is the common feature for Ascidia, Persistis, Hyla and Chilotes? तो सब किसके मेंबर है, कॉरिटा के मेंबर है. तो कॉरिटा के पास क्या पास है, स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज एंड बोन. नो, सॉलिड डॉर्सल डबल नहीं होता, सिंगल नर्व कॉर्ड होता, घस जाएगा. थ्री चैम्बर हार्ट विद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सब भी नहीं होता. पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट एटलीस्ट है ना, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट एटलीस्ट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. सही है. देखो अपने पास कॉरिटा के अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है नोटोकॉर्ड पाया जाता है कॉरिटा के अंदर बिल्कुल पाया जाता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, डॉर्सल होगा पीछे की तरफ, सिंगल होगा और हॉलो होगा. अपना दिमाग क्या है, खोखला है, भूसा भरा नहीं है, सीएसएफ भरा है अपने अंदर. फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, सही है. देखो फेरिंग्स जो होंगे गिल स्लिट से परफोरेटेड, एनी स्टेज है ना, किसी भी स्टेज. हम ह्यूमन मैमल है क्योंकि अपने पास है ना, हम कॉल इट क्योंकि हमने पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने पास गिल स्लिट पाए जाते हैं यार. और हार्ट क्या होगा, वेंट्रल होगा और पोस्ट सेनेटल पाया जाएगा. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो नोटोकॉर्ड की पोजीशन है ना, नोटोकॉर्ड क्या इधर पाया था, ये वाला जो नोटोकॉर्ड है, बिल्कुल नोटोकॉर्ड क्या है, राउंड होकर क्या बनाएगा, वर्टिकल कॉलम बना देगा, ऐसे करके राउंड हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, वर्टिकल. नोटोकॉर्ड इज मेजरेबल इन ओरिजिन. गैस्ट्रिक रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक रिसेप्टर टेस्ट के लिए है ना. और टच के लिए कौन होता है, प्रेशर रिसेप्टर्स. स्मेल के लिए क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. टच टेस्ट के लिए, टैंग गैस्ट्रिक रिसेप्टर किसके लिए, टेस्ट के लिए. और स्मेल के लिए, स्मेल के लिए अपने पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. और टैक्टाइल रिसेप्टर मतलब प्रेशर के लिए. ओके, सेलेक्ट द इनके स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज 13 ईयर प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज 13 ईयर्स प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है. द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए वेयर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर. यस, द फ्रेगमेंट वेयर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैथड डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर. ठीक है ना, रिमेंबर सेंगर को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, बहुत खास बात है. Sanger is also credited for developing method for determination of the amino acid sequence in the protein. ये भी important है. Frederick Sanger important question आता है यहाँ से. बिल्कुल. तो दूसरा वाला भी सही है. The sequence of chromosome was completed mid 2003 नहीं नहीं 2006 में कंप्लीट हुआ है. Mid 2006, not 3. Okay. तो ये वाला गलत है. लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यू शेप बोन प्रेजेंट एट द बेस द बकल कैविटी एंड इज इंक्लूडेड इन द स्कल. तो अपने पास जो हायोइड होता है, हायोइड इज अ सिंगल यू शेप बोन विच इज प्रेजेंट एट द बेस द बकल कैविटी. ये रहा हायोइड. Select the incorrect statement from the following. More than 70% of all species recorded are animal. More than 70% of all species recorded are animal. Yes. Plant including comprise no more than 22%. Yes. Plant जो होते हैं they comprise no more than 22%. सही है. Among animal, insect are the most species rich taxonomic group. Among animal species. Among animal, insect are the most species rich organism. ये भी सही है. Birds are less than the number of mammals. Birds are less than the number of mammals.
नहीं सर, बर्ड ज्यादा है मैमल से। कैसे? चलो देखते हैं डायग्राम, ये रहा। अपने पास क्या है? सबसे ज्यादा कौन है? फिश। फिश क्या है? फिश के बाद कौन है? बर्ड्स। सबसे ज्यादा फिश, फिश के बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स, और मैमल्स के सबसे कम क्या है? एम्फीबिया। सबसे कम स्पीसीज किसकी? एम्फीबिया की। तो मैमल्स का जो स्पीसीज है ना, वो कम है किससे? बर्ड से। मैमल्स का ज्यादा है। ये पढ़ना, यहाँ पे भी लेबलिंग आती है। इंसेक्टा, मोलस्का, MCO, MCICMO है ना। और यहाँ पे ऑल से आ रहे हैं, ऑल से। एलील एंड लाइकेन नीचे में है, और फंजे का ज्यादा होता ही है एंजियोस्पर्म से। फंजाई का जो स्पीसीज है वो ज्यादा है एंजियोस्पर्म से। दो बार यहाँ पे क्या करेक्शन आ गया, इन्होंने एंजियोस्पर्म को ज्यादा माना है यार, लिंगत माना है। बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विस दैट नेचर प्रोवाइड। दिस इज रिलेटेड टू विच द विच रीजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायोडाइवर्सिटी विच प्ले मेजर रोल इकोसिस्टम सर्विसेज। अपनी सोच क्या है? नैरो है। अपनी सोच क्या है? नैरो है, छोटी सोच है। छोटी सोच हमने फायदे के लिए सोचते हैं। हमने फायदे के लिए सोचा तो नैरो यूटिलिटेरियन, और हमने बोला इकोसिस्टम के फायदे के लिए सोचा तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हो जाएगा, क्योंकि अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहे, इकोसिस्टम के फायदे के लिए। ऑलवेज प्ले अ मेजर रोल। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी ऑलवेज प्ले अ मेजर रोल इन इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। बिल्कुल, एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर, स्पीसीज एंड जेनेटिक लेवल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज नोन एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। विच द फॉलोइंग फंक्शन और एक्टिविटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्मूथ मसल इन ह्यूमन? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल अफेक्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट बिल्कुल अफेक्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन थ्रू द यूटेरिन ब्लैडर बिल्कुल अफेक्ट करेगा। च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग ऑफ फूड थ्रू बकल कैविटी, यार अपने अपने कंट्रोल में है। स्ट्राइटेड मसल कंट्रोल करते हैं, अपने कंट्रोल में वॉलंटरी है। स्मूथ मसल क्या होता है? इनवॉलंटरी होते हैं। तो अपने हमारा च्यूइंग और स्वॉलोइंग अपने कंट्रोल में, दे आर वॉलंटरी एक्शन, सो दे आर बिल्कुल, ये स्मूथ मसल नहीं होते, यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल होते हैं। ओके, सेलेक्ट द इनग्रेड मैच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन इन रिलेशन टू एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म एंड द नेम ऑफ द कंट्री। रूडो। रूडो कहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया? मॉरिशियस से। बिल्कुल सही है। क्वागा, देखो दो ए आ रहा है ना, ऐसा नहीं, क्वागा है ना, दो ए आ रहा है, तो अफ्रीका में भी दो ए आ रहा है। बिल्कुल, ये थाइलासिन रशिया से नहीं है। थाइलासिन तो हमने बोला, ये सर किसका मेंबर था? थाइलासिन हमने बोला था कहाँ पड़ा था? कंगारू के पास पड़ा था। कंगारू मतलब हमने बोला थाइलासिन को कहाँ पड़ा था हमने? ओहो, प्लाजेंटल में बस, नहीं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से पड़ा था। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से मतलब कहाँ पाया था? मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया था। स्टिलर सिकाओ है ना, सिकाओ समुद्री गाय, रशिया में। बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पे सब स्पीसीज आते हैं। बिल्कुल, सब स्पीसीज टाइगर, सब स्पीसीज है। बाली, जावर एंड कैस्पियन आर द सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। विच द फॉलोइंग इज इनग्रेड फॉर हार्मोन? देखो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स विच एक्ट इज इंटरसेलुलर, नॉट इंट्रा सेलुलर, ठीक है ना। इंटर मीन्स बिटवीन टू सेल्स, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखो अपने बोला इंटरसेलुलर मैसेंजर, बिल्कुल सही है। दे आर नॉन न्यूट्रिटिव, बिल्कुल सही है। दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस ट्रेस अमाउंट, बिल्कुल सही है, ये सही है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा। दे आर नॉट स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक। देखो अपने अंदर का जो एडिनिल का काम है फाइट एंड फ्लाइट का, वो दूसरे स्पीसीज के अंदर भी एडिनिल का काम फाइट एंड फ्लाइट का ही है। टोमेटो इज अ सोमेटिक हाइब्रिड डेवलप बाय द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ऑफ पोटेटो एंड टोमेटो। यस, टोमेटो क्या है? एक सोमेटिक हाइब्रिड है, जो कि टोमेटो और पोटैटो का डिजायरेबल कैरेक्टर से बना हुआ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो दे डू नॉट हैव एन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट में। दे डू नॉट हैव डिजायर्ड, दे डू नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन। दिस प्लांट डू नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेस्टिक फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन। तो इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे दोनों के क्या डिजायरेबल कैटर जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलते। तो इसीलिए आप दुकान में जाके बोलोगे टोमेटो दो, तो बोलेगा नहीं है सर टोमेटो, क्या होता है टोमेटो ये नहीं जानता, क्योंकि वहाँ पे इसका कोई डिजायरेबल कैटर दोनों का जो मिला के मिलना चाहिए था उतना है ही नहीं। इसी इट इज है ना, बिल्कुल इट इज नॉट डिजायर फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन।
ओके, विच द फॉलोइंग हार्मोनल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन? मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटेड ग्रोथ, लो इंटेलिजेंस कोशेंट एंड डीफ म्यूटिज्म। ठीक है, तो क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन कमी होता है, तो इसमें क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू दैट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्किन। कहाँ पे? क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म में है ना। मिक्सोडिमा तो ज्यादा की वजह से होता है, ज्यादा सीक्रेशन की वजह से मिक्सोडिमा। गॉइटर तो हाइपोथायरॉइडिज्म में देखने को मिलेगा और हाइपर में भी देखने को मिलेगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिसऑर्डर फ्रॉम एक्स लिंक डिसीज्ड फादर टू हिज सन? देखो अपने पास क्या है, फादर है ना एक्स वाई, मदर है ना एक्स। कोई भी अपने पास क्या है, चाइल्ड है, मेल है, तो उसके पास वाई का जीन जो है फादर से आया है, एक्स का जीन जो है वो मदर से आया है। ठीक है, तो हमने बोला व्हाट इज द परसेंटेज इनहेरिटेंस ऑफ डिसऑर्डर, बिल्कुल ना लगाना है वाई का जीन कहाँ से था, फादर से, और एक्स का जीन कहाँ से था, मदर से। व्हाट विल बी द परसेंटेज इनहेरिटेंस ऑफ अ डिसऑर्डर फ्रॉम एन एक्स लिंक डिसीज फादर टू हिज सन? देखो एक्स लिंक डिसीज फादर है, उसके पास से एक्स जीन आ ही नहीं रहा है, तो अपने पास क्या चांसेस होंगे आने के? नहीं होंगे, 0%। विच द फॉलोइंग, ओके रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। थायमोसिन हार्मोन हेल्प टी लिम्फोसाइट टू प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सही बात है। कैल्सिट्रोलिन हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, नो। ये कैल्सिट्रोलिन कम बढ़ाता, पैथोरन बढ़ाता है, पैथोरन बढ़ाता है। देखो थायमस में क्या है, थायमोसिन, थायमोसिन प्ले मेजर रोल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये कहाँ पाया जाता है, थायमस का लोकेशन बताओ, वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा, एओर्टा के वेंट्रल साइड में, अपने बाहर की तरफ, छाती है ना, छाती की तरफ है ना, तो वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा। तो मेलानिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन फ्रॉम द पिनियल ग्लैंड रेगुलेट द 24 आवर डायर्नल रिदम। मेलानिन नहीं, मेलानिन तो पिगमेंट जो कि स्किन का को मेंटेन रखता है, ये मेलाटोनिन होता है जो कि 24 आवर रिदम को मेंटेन रखता है। तो गलत हो जाएगा। एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन आर कॉल्ड एज कैटाकोलामिन, बिल्कुल नहीं। कैटाकोल रिंग पाया जाए, कैटाकोल रिंग कैसी रिंग होती है, ऐसी रिंग होती है, ये कैटाकोल रिंग कहलाती है, ये कैटाकोल रिंग है। तो ये ऑलरेडी सही है। हाउ मेनी आर द करेक्ट? टू करेक्ट। ये देखो पैराथ्रोइड क्या करता है, हार्मोन को कैल्शियम लेवल बढ़ाता है ब्लड में, ब्लड में, ब्लड में, ब्लड में, ब्लड में, ब्लड के एसिड में बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है कौन? पैराथ्रोन। और कैसिट्रिन उल्टा, देयर एंटागोनिस्टिक, ठीक है ना, कैसिट्रिन उल्टा करेगा। और पीनियल ग्लैंड देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, तो क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से ज्यादा अच्छा बनता है। डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, पिनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा? डॉर्सल साइड, पीछे की तरफ, यानी डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, पीछे की तरफ। और मेलाटोनिन जो हार्मोन है ना, मेलाटोनिन जो हार्मोन है ना, मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम, दैट इज डायर्नल रिदम। मेलाटोनिन नॉट मेलानिन। एंड हमने बोला एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटाकोलामिन बिकॉज दे हैव अ कैटाकोल रिंग, ये वाली रिंग है, यहाँ पे ये वाला गलत है। कैटाकोल रिंग कैसी होती है, ऐसी रिंग होती है, ऐसी होती है, पहले भी गलत होती है, ये वैसी है, ये कैटाकोल रिंग है। देयर एमरजेंसी हार्मोन, फाइट और फ्लाइट, भाग लो या भाग लो। इन एंजियोस्पर्म द फर्स्ट सेल, इन एंजियोस्पर्म द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ से होगा, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? हमने बोला देखो क्या हुआ, पहले तो पोलन ग्रेन बना, पोलन ग्रेन से क्या बनेगा, अपने पास डेवलपमेंट बोला। देखो इसने जागरण ने क्या बताया, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन अपने पास, अपने को बोला कि द स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इन टू अ पोलन ग्रेन, ठीक है ना। ये माइक्रोस्पोर जो एसोबैक्टेरियल टाइप का है वो कहाँ पाया था, मोनोकॉट, एसोबैक्टेरियल टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रैड विच इज फाउंड इन मोनोकॉट्स। और डेवलपमेंट दिया कि कैसे ये माइक्रोस्पोर जो है वो किस में डेवलप होता है, मेल गैमेटोफाइट में। तो हमारे पास यही पूछा है कि क्या माइक्रोस्पोर, सॉरी मेल गैमेटोफाइट में कौन डेवलप होता है, माइक्रोस्पोर डेवलप होता है। फाइंड आउट द ग्रेट मैच अबाउट ब्लड,
ब्लड में फॉर्म एलिमेंट अबाउट 55% नहीं, फॉर्म एलिमेंट होता है 45%। प्लाज्मा अलाउ होता है, पानी चीजें अलाउ होती है, तरल तरल चीजें है ना, आज जहाँ दुनिया मिलावट है तो दूध में दूध ज्यादा नहीं है, पानी ज्यादा है। फॉर्म एलिमेंट में फॉर्म सॉरी ब्लड में फॉर्म एलिमेंट ज्यादा नहीं है तो दूध में मिलावट है, और दूध हमारे अपने पास ब्लड में मिलावट है, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, प्लाज्मा ज्यादा है, बिल्कुल 45% नहीं है, 55% का हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कितना है अपने पास, 100 ml ब्लड में अपने पास 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया था, बिल्कुल सही है। ओके, 12 to 16 ग्राम ऑफ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैलिस्ट्रोगेमी, कैलिस्ट्रोगेमी कहाँ पे देखने को मिलेगा, वायोला कॉमेलाइना एंड ऑक्सेलिस, कॉमन पैन से किसको बोलते हैं, वायोला को, एंड सेकंड जो डायग्राम है वो किसका, कॉमन लाने का, पहला सही है। फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, कैलिस्ट्रोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। ओके, और क्या बोला है, पोलिनेटर आर रिक्वायर्ड, नो नो नो, पोलिनेटर आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना सर, यहाँ पे बोला है ना, यदि कोलेस्ट्रोल फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, है ना, पोलिनेटर के एब्सेंस में भी सीड सेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल, एंथेसिस एब्सेंट, बिल्कुल सही है, एंथेसिस मतलब ब्लूमिंग, ब्लूमिंग इज एब्सेंट है ना, ओपनिंग नहीं होता, कोलेस्ट्रोल फ्लावर जो होते हैं अंदर में रहते हैं, सॉइल के अंदर में ओपनिंग नहीं करते। ये देखो अपने पास डायग्राम है, अपने पास ये कॉमेलाइना का डायग्राम है, कॉमेलाइना का डायग्राम है, कॉमेलाइना का डायग्राम है, जिसके अंदर में जो सॉइल के अंदर है ना वहाँ कोलेस्ट्रोल फ्लावर होते हैं जो कि ओपन नहीं करते। इनका तो पूछा है, इनका देखिए इनका कौन सा एक ही है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ईसीजी ऑफ ह्यूमन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, सही है। ईसीजी ऑफ अ पर्सन इज ऑब्टेन बाय यूजिंग मशीन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नहीं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ यहाँ पे मशीन है वही तो गलती करता है लोग, इसीलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मशीन में ग्राफ आ रहा है, मशीन में जो नाम है ना वो ग्राफ आ रहा है, मशीन में ग्राफ आ रहा है नॉट ग्राम, तो गलत हो जाएगा बी वाला, आपने ग्रीन कार्ड पूछा है विगत है। टू ऑब्टेन स्नेड ईसीजी ऑफ पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, यस कितने इलेक्ट्रिकल लीड काम आते हैं, 3, एक नॉर्मल ईसीजी एक वो तो ट्रेडिशनल वाला। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद लेटर फ्रॉम पी टू टी दैट कोरेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, सही है। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। पॉलिनेशन बाई वाटर इज मोर कॉमन अमॉन्ग एबायोटिक फैक्टर, नहीं पॉलिनेशन बाई विंड नॉट वाटर, पॉलिनेशन बाई विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग एबायोटिक फैक्टर, ज्यादा विंड से होता है पानी से नहीं। पॉलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, यस पॉलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन, पॉलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, सही है। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर एमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉइंटेड बाई वाटर, नो इट इज नॉट पॉइंटेड बाई वाटर, पानी में तो रहते हैं, नाम में वाटर आ रहा है, वाटर लिली आ रहा है, तो लोग कन्फ्यूज रहेंगे कि भाई पानी से ज्यादा बिल्कुल होता होगा, नहीं होता, लेकिन नहीं होता, देखो अनसेट ने खुद बोला नहीं होता, नाम में काम छुपानी है यहाँ पे। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉइंटेड बाई इंसेक्ट एंड विंड नॉट बाई वाटर, ठीक है ना, जो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली होते हैं ना वो इंसेक्ट और विंड से पॉइंटेड होते हैं, पानी से नहीं, गस जाएगा ये। विंड पॉइंटेड फ्लावर और प्लांट न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, सही बात, जैसे कि मेज इंसेक्ट डायग्राम बना दिया अपने पास, ये अपने पास है ना विंड पॉइंटेड फ्लावर, मेज का डायग्राम है ये, और विंड पॉइंटेड फ्लावर, विंड पॉइंटेड फ्लावर स्विंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमेन, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमेन, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमेन होते हैं इनके पास। एंड सेल्फ कंपेटिबिलिटी सॉरी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज एन आउट ब्रीडिंग डिवाइस विच प्रमोट विच प्रिवेंट इन ब्रीडिंग नॉट प्रमोट, है ना, बिल्कुल सही है। तो अपने पास बी हमने क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट 3 है यहाँ पे, 1 और 2 3, 3 करेक्ट है यहाँ पे, 3 करेक्ट है यहाँ पे। हार्ट अटैक एक होता है, हार्ट अटैक होता है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक होता है कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है कार्डियक अरेस्ट होता है, देखो हार्ट अटैक में क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, सब ऐसे ही लगता है ना, हार्ट अटैक अरेस्ट हो गया, अरेस्ट हो गया, रुक गया, हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है ना, के का क्या हो जाएगा 5,
के क्या हो जाएगा, फाइव के क्या हो जाएगा, फाइव के का फाइव क्या है, दो में है। और हार्ट अटैक, हार्ट मसल डैमेज हो गए, हार्ट मसल डैमेज हो गए तो क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अरेस्ट हो गया, रुक गया, रुक गया, रुक जाओ जहां भी रुक जाओ, पुलिस आते क्या बोलते हैं, अरेस्ट करने के लिए पुलिस आते क्या बोलते, रुक जाओ वहीं जहां भी रुक जाओ, तो अरेस्ट हो गया ना, तो जहां पे था वहीं रुक गया, हार्ट स्टॉप बीटिंग। तो के का फोर, के का सॉरी के का फाइव, और हार्ट अटैक क्या हो जाएगा, हार्ट मसल सडनली डैमेज, तो वन का टू, ये देखो ये हो जाएगा। और लव, फिर डप साउंड जो होता है ना वो क्यों होता है, देखो लव साउंड जो होता है उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है, लेकिन ड्यूरेशन ऐसे ही मैं लव, फिर डप, डब मैंने बोला इंटेंसिटी ज्यादा ड्यूरेशन कम है, ठीक है ना। और लव जो होता है वो क्लोजनिंग ऑफ एंट्री ऑफ वेंट्रिकल वॉल्व की वजह से आता है, दैट इज बाई कस्पिड एंड ट्राई कस्पिड वॉल्व की वजह से होता है क्लोजनिंग ऑफ, है ना, लव साउंड पहले हार्ट साउंड। और डब जो होता है वो क्लोजनिंग ऑफ सेमिलर वॉल्व, एंड सडन साहब साहब बोला है कार्डियक अरेस्ट, रुक जाओ, हार्ट स्टॉप बीटिंग, एंड हार्ट अटैक मतलब हार्ट मसल इज डैमेज, है ना, हार्ट मसल इज डैमेज, हार्ट मसल इज डैमेज। एक होता है ना हार्ट फेलियर, फेल हो गया, फेल हो गया इसका मतलब है कि नहीं, जीरो मार्क्स है, फेल हो गया मतलब कम मार्क्स है। तो हार्ट इज पंपिंग बट इट इज नॉट पंपिंग एफिशिएंटली टू नीड द, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी और टू नीड, टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस नीचे आती है, एपोमिक्सिस देखो, एपोमिक्सिस इज अ एपोमिक्सिस स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, अगर सीड बोला है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको एपोमिक्सिस बोलेंगे। स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, नो, विद फर्टिलाइजेशन बोल रहा है, यहाँ पे विद बोल रहा है, विद बोल रहा है, नहीं होगा विद, नहीं होगा। मिमिक, मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, ने बोला है कि जो एपोमिक्सिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और देखो तीन चीजें आती है, एक तो होता है पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस, तीनों में कंफ्यूज होता है, डेफिनेशन पूछा था हमसे। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। तो पहला फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज नोन एज एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी सीक्रेटेड बाय द ट्यूबुलर सेल इन टू द फिल्टर ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन। तो के आर एच प्लस और एमोनिया को सीक्रेट किया जाता है, देखो एच प्लस सीक्रेट किया जा रहा है, एमोनिया सीक्रेट किया जा रहा है, के प्लस को सीक्रेट कर रहा है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। इन कोकोनट लिक्विड न्यूसेलर एंडोस्पर्म इज सरनेट बाय वाइट कर्नल विच इज सेलर एंडोस्पर्म, विच इज सेलर एंडोस्पर्म। जो कर्नल है वाइट जो हम खाते हैं वो क्या है, सेलर एंडोस्पर्म। और जो हम पीते हैं गन्ने का जूस, गन्ने का नहीं, नारियल का जूस, नारियल का बिल्कुल, वो क्या होता है, न्यूसेलर एंडोस्पर्म। और जो हम खाते हैं नारियल का फल टाइप का वो क्या होता है, सेलर एंडोस्पर्म। जो न्यूसेलर एंडोस्पर्म था वही क्या हुआ बाद में, जैसे हमने बोला ताजा ताजा जो नारियल होते हैं नए नए, उनमें पानी ज्यादा होता है, क्योंकि पानी होता है वो न्यूसेलर एंडोस्पर्म, बाद में वो न्यूसेलर एंडोस्पर्म किस में कर रहता है, सेलर एंडोस्पर्म में, वाइट कर्नल। बिल्कुल, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू फेमिलियर विथ इज नथिंग बट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब जो कोकोनट वाटर है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, बट द वाइट कर्नल इज द सेलर एंडोस्पर्म। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, व्हाइट कर्नल पूछ रहा है, व्हाइट कर्नल पूछ रहा है हमने को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो क्वाशियोर्कर एंड मेलास्मस आर नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब बात आई है तो अपने पास बात तो करना पड़ेगा क्वाशियोर्कर मेलास्मस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वाशियोर्कर नाम बड़ा है ना, तो एक साल से बड़े उम्र में बच्चे को होता है। और कैसे क्वाशियोर्कर, कैसे केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी, केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी, केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड अकॉम्पेंड बाय कैलोरी, मतलब केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी। और सिर्फ और सिर्फ एडिमा देखने को मिला, एडिमा दैट इज पेनलेस स्वेलिंग, कहां पे देखने को मिलेगा, क्वाशियोर्कर में। कपो, कपो से कप्पू, कप्पू होता है ना कप्पू, कपिल शर्मा, कप्पू, कप्पू हम लोग याद रखेंगे, कप्पू मतलब कपिल शर्मा। ओके, हमने बोला क्वाशियोर्कर में क्या होगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, और इसमें एडिमा देखने को मिलेगा, क्या देखने को, एडिमा, 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 कप्पू, कप्पू, कप्पू शर्मा, है ना, केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी और प्रोटीन डेफिशिएंसी केवल क्वाशियोर्कर और एडिमा। ओके,
ना चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड. बिल्कुल इन लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड. है ना, इनके पास संकेन स्टोमेटा होता है. दे हैव थिक क्यूटिकल. थिक क्यूटिकल होता है संकेन स्टोमेटा, मतलब जीरो फिटिक एडेप्टेशन टू मिनिमाइज द वाटर लॉस. आगे आगे आ गया जिसका इंतजार था, है ना. तो ये सही है बिल्कुल. इनका पूछा है इन साइकस मेल एंड इन साइकस मेल कोन एंड मेगा स्पोरोफिल आर बोर्न ऑन द सेम ट्री बट इन पाइनस. नहीं, अभी बात की था हमने ट्रिक थी मैकडी का, अगर मर्केंशियस साइकस डायोशियस होंगे तो ये तो एक ही में बोल रहा है, गलत बोल रहा है. पाइनस मोनोशियस होता है, गलत है. ये सही है, गलत है. पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म इज कैरीड आउट बाय विंड. सही है. जिन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट लीफी लिविंग एक्सटेंस. जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना. बिल्कुल. इन साइकस द मेल एंड द फीमेल गो बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्री, मतलब दे आर डायोशियस. मार्केंसिया साइकस डायोशियस, अपने परमानेंट देखा मार्केंसिया साइकस डायोशियस मैकडी बगैर. फाइंड आउट ऑड फाइंड द ऑड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ब्लू वेल में क्या होता है, लंग्स होते हैं. बिल्कुल लंग्स होते हैं यहाँ पे. टेटपुल ऑफ फ्रॉग में क्या होगा, गिल्स होंगे. बोनी फिश में गिल्स होंगे. कितने होंगे पहले थे बताओ, चार. और शार्क में कितने होंगे, पांच से सात गिल्स होंगे. पांच से सात पैर होंगे, चार पैर होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पांच से सात पैर होंगे. बिल्कुल. तो यहाँ पे भी गिल्स हैं. तो यहाँ पे ए बी सी डी में गिल्स पाए रहे हैं और ए में क्या आ रहा है, लंग्स पाया. तो डिफरेंट पूछा, ऑड पूछा जाए, ऑड ये. ब्लू वेल का नाम बताओ, बेलेनोप्टेरा. ब्लू वेल क्या बोलते हैं, बेलेनोप्टेरा बोलते हैं. मैमल है ये, मैमल लार्जेस्ट लिविंग मैमल. इन हाउ मेनी द फॉलोइंग आर टैक्सा एट क्लास लेवल. प्लांट कोई क्लास नहीं है तो किंगडम है तो घस जाएगा. इंसेक्टा इज इंसेक्टा क्लास होता है. बिल्कुल सही है. एनिमेलिया ये किंगडम है. मेमेलिया ये भी क्लास है. डाइक्लियोडिलिनी ये भी एक क्लास है, क्योंकि हमने बोला किंग डिवाइड क्लास ऑफ जनरल सोसाइटी. तो डिवीजन में अपने पास कौन आ गया, डिवीजन में अपने पास कौन आ गया, है ना. इंसेक्ट में हमारे पास फाइलम कौन सा, आर्थ्रोपोडा. फाइलम या फिर डिवीजन में, और उसके बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इंसेक्टा क्लास है. और मैमिलिया में हमने बोला फाइलम कौन सा आ गया, कॉरेटा. फाइलम है क्या, बिल्कुल फाइलम है. फाइलम के बाद जो आएगा क्लास आ जाएगा. और मोनो फैमिली कौन सा, फाइलम कौन सा है, फाइलम के एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के बाद कौन आएगा, क्लास डाइकॉट मोनोकॉट. तो अपने पास तीन क्या है ना, यहाँ पे डाइकॉट है हो गया, मैमिलिया हो गया, इंसेक्ट हो गया, सब क्या हो जाएंगे अपने पास, क्लास हो जाएंगे. और इसके बाद डॉग नहीं है, वीट नहीं है, राइस नहीं है, जॉइंटेड मैच नहीं, मैंगो नहीं है, तीन ही है बस. द ट्रेड कंट्रोल बाय जीन एट सेवरल लोकाई. मतलब एक ट्रेड को बहुत सारे जीन, मतलब जीन एट सेवरल लोकाई, मतलब ऐसे जीन जो कि बहुत सारे लोकाई में पाए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे जीन, है ना. एक ट्रेड को बहुत सारे जीन अफेक्ट कर रहा है, मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी उल्टी है, इसीलिए आदमी कन्फ्यूज आता है. अ ट्रेड कंट्रोल बाय अ जीन एट सेवरल लोकाई. अ ट्रेड दैट इज कंट्रोल बाय अ जीन दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल लोकाई. सो द जीन दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल लोकाई. तो ये डिफरेंट जीन होंगे और डिफरेंट जीन कंट्रोल करते क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक. देखो पहले क्वेश्चन आया था, कंटिन्यूस फेनोटाइपिक वेरिएशन कहाँ पे देखने मिलता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, कंटिन्यूस फेनोटाइपिक वेरिएशन. और आज क्वेश्चन आया था ट्रेड कंट्रोल बाय अ जीन एट सेवरल लोकाई. द ट्रेड कंट्रोल बाय द जीन दैट आर रेस्ट्रिक्टेड सेवरल लोकाई. और दे इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर. अभी बात कर लेंगे स्किन कलर की. स्किन कलर को कवर कंट्रोल करने वाले थ्री जीन है. उसके बाद देखो हमने बोला रेशियो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. इन द गिवन पेडिग्री इंडिकेट वेदर द शेडेड सिंबल इंडिकेट डोमिनेंट रिसेसिव एलील. पहले चेक करेंगे डोमिनेंट, पहले चेक क्या करेंगे डोमिनेंट चेक करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे डोमिनेंट. डोमिनेंट में अफेक्टेड है तो ये अपने पास ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, और ये रिसेसिव है ना, मतलब अफेक्टेड मतलब ऐसा ही होगा.
जब ये ऐसा हुआ तो सारे क्या हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं, बिल्कुल अफेक्टेड हो रहे हैं, सारे अफेक्टेड हो सकते हैं ऐसे में, तो ये भी हो सकता है। और ऐसा हो तो सारे अफेक्टेड भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास चांसेस दोनों के अफेक्टेड होने के भी हैं और नॉन अफेक्टेड भी हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई चार दिए तो चार अपने पास क्या होंगे, ए होगा और एक ए होगा, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता। सारे स्मॉल स्मॉल भी हो सकते हैं, सारे कैपिटल स्मॉल भी हो सकते हैं, है ना। वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है तो डायग्राम, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। हर चांस, हर चाइल्ड के स्मॉल स्मॉल होने की और कैपिटल के होने की प्रॉपर्टी आधी आधी है, ये बताना चाह रहा है ये, है ना। सारे चाइल्ड ये हो सकते हैं स्मॉल स्मॉल वाले, हर चाइल्ड कैपिटल स्मॉल वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल डोमिनेंट वाला हो सकता है। रेसेसिव वाले देख लेते हैं, रेसेसिव में अनअफेक्टेड ये बिल्कुल, तो ये कैपिटल है ना। तो रेसेसिव में हुआ और ये अनअफेक्टेड है ये वाला, तो यहाँ पर अगर ये अनअफेक्टेड है तो अपने पास ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है यार। और ये अफेक्टेड है रेसेसिव में तो यहाँ पर ऐसा ही होगा। अरे उल्टा कर दिया ना, रेसेसिव की बात करें तो अनअफेक्टेड हो तो ऐसा ही होगा, और ये अनअफेक्टेड हो तो ऐसा होगा। तो अगर ये ऐसा होता है तो सारे क्या होंगे, अनअफेक्टेड बिल्कुल। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो सारे अफेक्टेड हो भी सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर ऐसे हुआ तो फिर अपने पास जब ये जीन होगा, इस कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल ए का होगा, तो ये कैपिटल ए कैपिटल ए होगा या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तो यहाँ पे भी ये अफेक्टेड हो सकता है। अगर ये हुआ तो अफेक्टेड हो सकता है दोनों, ये अफेक्टेड हो सकता है। अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो यहाँ भी वही है, तो भाई डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है। द फॉलोइंग इसका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑल प्राइमरी वॉल्यूम, तो देख लेते, चलो लिख लेते हैं यार, हमने बोला देखने से तो पहले लिख लेते। चलो, इनस्पिट रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिट रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, कितना कितना होता है। एक्सपिट रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 ml, लोअर लिमिट की बात करता हूँ मैं। एक्सपिट रिजर्व वॉल्यूम होता है 1100 ml या फिर 1000 ml, रेसिडुअल होता है 1200 ml, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। तो हमने ऑर्डर बताना है, सर क्या है इनस्पिट रिजर्व वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम है ना, फिर क्या है एक्सपिट रिजर्व वॉल्यूम है, फिर क्या है, सॉरी पहला है इनस्पिट रिजर्व वॉल्यूम, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम है, फिर एक्सपिट रिजर्व वॉल्यूम है, फिर लास्ट में टाइडल वॉल्यूम, लास्ट में टाइडल वॉल्यूम, लास्ट में टाइडल वॉल्यूम। IRV से ज़्यादा है इनस्पिट रिजर्व वॉल्यूम, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम, फिर सबसे कम है टाइडल वॉल्यूम, और थोड़ा ज़्यादा है एक्सपिट रिजर्व वॉल्यूम। देखो अपने पास इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछ जाए, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय जो वॉल्यूम हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं वो क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। अ हेल्दी पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, मतलब ये लंग कैपेसिटी की बात कर रहा है। जो लंग कैपेसिटी है वो 8000 से 6000 तक है। और इंस्पिट रिजर्व वॉल्यूम दैट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल, ओके, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना एडिशनल ले सकता है, 25 ml, लोअर लिमिट के बाद 25 ml, नॉट 25 ml, 25 ml। एक्सपिट रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिट रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, है ना। ऐसे ऐसे बोलते हैं आफ्टर फोर्स, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना एक्सपायर कर सकता है, या फिर द एक्सट्रेडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एडिशनल आ गया तो अपने पास इंस्पिरेटरी या फिर एक्सपिरेटरी, जो कि लोअर लिमिट की बात है 1000 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो लंग्स में बच जाता है वो क्या कहलाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज अबाउट 200 ml। लीडिंग स्ट्रैंड इज चेन ऑफ डीएनए विच इज कंटिन्यूसली फॉर्मड। लीडिंग स्ट्रैंड देखो बोले कंटिन्यूस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, कंटिन्यूस बन रहा है बिल्कुल। फॉर्मेशन ऑफ चेन विच पॉलीमराइज इन द 5 3 डैश टू 5 डैश जंक्शन, गलत है यार, देखो ये 5 डैश से 3 डैश तक पॉलीमराइज हो रहा है यार, तो ये अपने पास लीडिंग स्ट्रैंड के लिए बोला है, लीडिंग स्ट्रैंड के लिए, ये गलत है, सॉरी ये सही है, ये गलत है। द चेन ऑफ डीएनए विच इज डिसकंटिन्यूसली फॉर्मड, चेन ऑफ डीएनए विच इज डिसकंटिन्यूसली फॉर्म, नहीं तो कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा है गलत हो जाएगा। चेन ऑफ डीएनए विच कंटेन होगा था कि फ्रेगमेंट, नहीं तो लैगिंग स्ट्रैंड में, तो जो ये वाला बगल वाला है डिसकंटिन्यूअस ही है।
फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। देखो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है सिर्फ फर्स्ट है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया? 2000 मिलियन, ये रखो है ना। और फर्स्ट ए सेलुलर फॉर्म या फिर नॉन सेलुलर फॉर्म इज रोज अबाउट 3000 मिलियन, ये रखो, या फिर 3 बिलियन, ये रखो। ए सेलुलर और फिर नॉन सेलुलर, और ये सेलुलर बोल दिया, सेलुलर बोल दिया तो 2 बिलियन, ये रखो, और नॉन सेलुलर बोल दिया तो 3 बिलियन, ये रखो। ऐसे रहेंगे, पहले भाई सेलुलर चीज आएगी, नॉन सेलुलर चीज आएगी, पहले नॉन सेलुलर चीज आएगी मतलब 3 बिलियन, ये रखो, पहले नॉन सेलुलर चीज, उससे भी मतलब उसके बाद में मतलब 2 बिलियन, ये रखो, सेलुलर चीज आएगी। द मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर इज स्टरिंग टाइप, इसमें ये हवा के आने जाना हो जाता है। द मोस्ट कॉमन यूज, मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर इज स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर, ये वाला जो डायग्राम बना है, ये देखो, ये वाला जो डायग्राम बना है, जिसमें एच एसिड बेस पीएच रेगुलेटर होता है, स्टीम फॉर स्टिलाइजेशन होता है, मोटर होता है, फोम कंट्रोल बीकर होता है और फोम ब्रेकर होता है, फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर होता है, कल्चर ब्रॉथ होता है, स्टराइल एयर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। विच द फॉलोइंग पेयर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ एविडेंस इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, तो होमोलॉजी एंड वेस्टिज ऑर्गन रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री, तो एंसेस्ट्री तो होमोलॉजी के बारे में बात किया है। देखो होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, बट होमोलॉगस ऑर्गन के साथ साथ वेस्टिजियल ऑर्गन भी है, वो भी क्या होता है, कॉमन एंसेस्ट्री जो स्टोर करते हैं। ब्रेवर्स ईस्ट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ब्रेवर्स ईस्ट जो कि किसके काम का आएगा, इथेनॉल बनाने में काम आएगा, वो क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। विच द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंडोजन के लिए तोड़ने के लिए जरूरत होगी बिल्कुल डीएनए फ्रेगमेंट को, तो डीएनए फ्रेगमेंट जरूरत पड़ेगी, लाइगेज जरूरत पड़ेगी, इकोलाई, देखो इकोलाई क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने की जरूरत नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रेप्लीकेट करने के लिए होस्ट की जरूरत है, वो क्या करेगा, इकोलाई काम करेगा। तो मैं उससे क्या पूछा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए, तो भाई ये तीनों से क्या जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, लेकिन भाई एक तरीके से और कोई सोच सकता है, भाई प्लाज्मिड को कहाँ से ऑप्टेन करेंगे, तो इकोलाई के अलावा भी तो प्लाज्मिड कहीं से और ऑप्टेन कर सकते हैं ना डालने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट, बिल्कुल दो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ सकते हैं ना, प्लाज्मिड क्या, डीएनए फ्रेगमेंट ही तो यार, डीएनए फ्रेगमेंट ही तो, प्लाज्मिड क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट ही तो है। हाउ मेनी द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, देखो ईस्ट होता है, क्लोरेला होता है, स्पाइरुलिना होता है, नॉस्टक नहीं होता, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस होता है, मशरूम होता है, ये नहीं होता। तो अपने पास 1 2 3 4 5, 3 2 5, बिल्कुल 5 रहेंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पे स्पाइरुलिना की बात की एनसीईआरटी ने, क्लोरेला की बात की पहले भी, कहाँ पे क्लोरेला की बात की है, वही 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 क्लोरेला की बात की एल्गी में, और मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस और सब मशरूम होते हैं, और इसके बाद में एनसीईआरटी ने बात की, इधर साइड देखो सब माइक्रोस्कोपिक फंजाई, तो माइक्रोस्कोपिक फंजाई में कौन आता है, ईस्ट, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे क्या है कि पहले लिखी है एनसीईआरटी लाइन है, पहले लिखी है एनसीईआरटी लाइन, एल्गी को इस्तेमाल किया जाता है, फंजाई को इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया में मिथाइलोट्रोपस मिथाइलोफिलस, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, अबाउट 15 मिलियन अगो प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोपिथिकस एंड रामपिथिकस वेर एग्जिस्टिंग, तो ड्राय रामा, राम मतलब इंसान है ना, राम भगवान क्या थे, इंसान थे, तो रामपिथिकस विल मोर, रामपिथिकस वर मोर ह्यूमन लाइक, और मैन लाइक, रामपिथिकस वर मोर मैन लाइक, ये सही है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस विद ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 cc, सही है। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर अगो, यस बिल्कुल, आइस एज का ड्यूरेशन भी पढ़ा, 75,000 ईयर से 10,000 ईयर तक एगो तक ह्यूमन सेपे होमो सेपेन मॉडर्न होमो सेपेन एरोस, देखो बिल्कुल। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग इज होमो हैबिलिस विच हैज अ केनल कैपेसिटी ऑफ 650 to 800 cc। अपने पास और क्या है, अपने पास जो हमारे पास होमो सेपियंस थे ड्यूरिंग आई से दैट इज 75,000 to 10,000 ईयर एगो मॉडर्न होमो सेपियन अरोज, सही है, ये भी सही है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट वेयर डेवलप बाय एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन अराउंड 10,000 ईयर, नहीं 18,000 है, देखो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट अबाउट 18,000 ईयर, 18,000 ईयर, 10,000 साल क्या हुआ था, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर,
ऐसा तो मैं ए सिर्फ ए पहले आता है ना, 10 साल में भी 10 हजार आया था, तो 10 हजार से पहले एग्रीकल्चर आया था, केप पल्टिंग का उल्टा, केप पल्टिंग का उल्टा, उसका उल्टा केप पल्टिंग, एक क्या हो एक उल्टा। ओके मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यूवी रेज, यूवी रेज से क्या है, स्नो ब्लाइंडनेस, यूवीवी, यूवीवी कस करता है इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, दैट इज नोन एज स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया दैट इज नोन एज स्नो ब्लाइंडनेस, कौन करेगा, यूवीवी, यूवीवी। तो एक का क्या हो जाएगा, थ्री, एक का थ्री, तीन तीन में है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, बीओडी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, बीओडी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, बीओडी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, चलो ओके। रीडिंग का मैग्निफिकेशन नहीं होता, बायो मैग्निफिकेशन होता है। रीडिंग क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन, दैट इज इंक्रीज इन द सक्सेस, इंक्रीज इन द टॉक्सिकेंट एट सक्सेस, इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज बायो लाइफ मैग्निफिकेशन। बढ़ जाना, यहाँ पे क्या है, 0.003, जीरो कम करते जाओ, नंबर बढ़ाते जाओ, बात पहले भी हो चुकी है, 0.04, 0.5, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 25 पे आएंगे, पीपी, ये पीपीबी होता है, बाकी सब पीपीएम होता है, ठीक है ना, इसे कंसंट्रेशन की बात करना है। वाटर में जाएगा, वाटर के बाद सीधा जू पेंटॉन, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर फिश इन बर्ड्स, सीगुल, सीगुल जिसको बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन इज ए नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू न्यूट्रेंट एनरिचमेंट, न्यूट्रेंट किसके, फॉस्फोरस के, मतलब फॉस्फेटेस के, तो डी का क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन, डी का 2 और ए का 3। बायोडी रेब ऑर्गेनिक मैटर मतलब बीओडी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बीओडी ज्यादा है, बायोडी रेब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो बी का 4। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, रेट्रोवायरल, नेट्रोवायरस आर कॉमनली यूज एज वैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। सही बात है, इसको जीन थेरेपी में काम किया था, देखो रेट्रोवायरल वैक्टर आर यूज इंट्रोड्यूसिंग जीन इन लिम्फोसाइट। सही है, इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर एसेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज इज जीईएस, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। सही है, GEC, बिल्कुल, सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEC विच मेक्स डिस्कशन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज डिनेचुरेशन एक्सटेंशन, नो नो नो, पहले डिनेचुरेशन होगा, फिर एनिलिंग, एनिलिंग का पर्यायवाची सब होता है एडिंग, एनिलिंग मतलब एडिंग, पहले डीनेचुरेशन होगा 94 डिग्री सेल्सियस में, फिर प्राइमर की एनिलिंग होगी, प्राइमर की एडिंग होगी 854 डिग्री सेल्सियस में, फिर क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, एंड एक्सटेंशन। तो ये गलत हो जाएगा, हमको क्या पूछा, करेक्ट पूछा है, ये गलत है ना, करेक्ट नहीं पूछा है यार, सब करेक्ट है, इनमें से कौन सा नहीं है बोला है, ठीक है, तो हमारे पास ये गलत है, सही नहीं है ये। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड, यस, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, स्टेनिंग द डीएनए विद कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर देंगे उस डीएनए को जिसको सेपरेट किया हमने, तो उसको क्या कहेंगे, है ना, तो विजुलाइज करने के लिए, और जो सेपरेशन ऑफ डीएनए इज नोन एज इल्यूशन, जेल से बाहर निकालना क्या कहेंगे, इल्यूशन कहेंगे। इफ देयर आर 99 बेसेस इन एन एमआरएनए दैट कोड फॉर अ प्रोटीन विद 33 अमीनो एसिड एंड द बेस एट अ पोजीशन 30 अंडरगो नॉनसेंस म्यूटेशन देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। देखो 30 पे जो था हमारे पास नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब क्या है, कोई एंजाइम नहीं बनेगा, 30 पे कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो उसके बाद तो कुछ बनना ही नहीं है, 30 पे कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो उसके बाद कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। देखो उससे पहले अगर पास 33 27 बेस पे आएंगे और 23 बेस 27 से हमारे पास 9 क्या बन जाएगा, एमिनो एसिड बन जाएगा, उसके बाद 28 29 और 30 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधूरा है, तो अधूरा से यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, तो अपने पास 9 अमीनो एसिड बनेगा और उसके बाद कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि नॉन सेंस म्यूटेशन मतलब नो एंजाइम, नो एंजाइम एट ऑल। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांट। सही बात है, अपने को रॉन्ग पूछा है,
पहले ये इम्पोर्टेंट होता है कि सही पूछा गलत पूछा है, वैसे आप पता हो जाए आखिरी में गलत टिक कर दिया तो फिर बेकार है। सुरोपोडिया, सुरोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआ, नहीं स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया था। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन इज डायटम, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा में क्या पाया था, माइक्रोजोम, नहीं माइक्रोजोम ही तो पाया था यार, मिजोजोम, मिजोजोम नॉट माइक्रोजोम, ठीक है ना। ये तो है क्या लिखा होता है, हम क्या टिक करके आए थे, एग्जामिनर इस चीज का फायदा, इसको विजुअल इल्यूजन बोलते हैं, माइक्रोसोम मिजोसोम सेंट्रोसोम सेंट्रिजोल सब वैसे चलता है यार। तो अपने पास स्पोरोजोआ में क्या होगा, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर एब्सेंट होंगे, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा कहाँ पे, स्पोरोजोआ में, तो यहाँ पे बोल रहा है ना होते हैं, बोल गद बोल रहा है यार, तो उसी तो पूछा है आपको, गद पूछा आपने को। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके मैच विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और एंजाइम द क्रैब्स साइकिल प्रेजेंट द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स गलत है यार, कैसे हमारे पास एक एंजाइम होता है सक्सिनल, सक्सिनाइक डी हाइड्रोजिनेज, सक्सिनाइक डी हाइड्रोजिनेज जो कहाँ पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, क्या होता है मार्कर एंजाइम बोलते हैं उसको, जाओ साइकिल खोजो कुछ चीज को तो हम उसी से खोज पाएंगे मार्कर एंजाइम। ये देखो सक्सिनेट डी हाइड्रोजिनेज दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर टू विच इज फॉर्म्ड, और ये क्या करेगा सक्सिनेट से फिनोल बनाएगा, जिसमें क्या बनेगा एक एफ ए डी एच बन जाता है, ये कहाँ होता है इन्हें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, दैट इज मार्कर एंजाइम, तो ये बोल रहा है कि सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते, नहीं होते, ये देखो ये कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। इन ग्लाइकोलाइसिस हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज एन ए डी दैट पिक्स अप हाइड्रोजन एटम, सही है। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक, बिल्कुल दैट इज ग्लाइकोलाइसिस द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इज ऑर्गेनाइज्ड एज इट इज, सही बात है, पहला गलत है अपने पास। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल, बिल्कुल इसका फंक्शन तो है एनकोरिंग, मतलब अटैचमेंट ऑफ द प्लांट इन द सॉइल, सही है। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बिल्कुल ये स्टोरेज करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बनाता भी है, बिल्कुल बनाता है। इट कनेक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेटिस, नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, फोटोसिंथेसिस नहीं करता रूट, फोटोसिंथेसिस नहीं करता रूट, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वेजिटेबल करता तो है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करता, फोर्थ वाला गलत जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लांटेशन, इनमें से किसके पास मार्जिनल प्लांटेशन पाया जाता है, तो फैबेसी फैमिली में मार्जिनल प्लांटेशन पाया जाता है, तो किसमें से बताओ कौन फैबेसी फैमिली का है, मस्टर्ड तो क्रूसीफेरी का है, मस्टर्ड में नहीं पाया जाएगा, ग्राम में पाया जाएगा क्योंकि क्या है फैबेसी का है, ट्यूलिप लिलियसी का है तो नहीं पाया जाएगा, एस्पेगस लिलियसी का नहीं पाया जाएगा, अरहर फैबेसी का है तो पाया जाएगा, सन हैम लिलियसी का है, नहीं सॉरी ये फैबेसी का है तो पाया जाएगा, चिली सोलेनसी का है नहीं पाया जाएगा, कोल्चिसिन ये लिलियसी का है नहीं पाया जाएगा, ओनियन लिलियसी का है नहीं पाया जाएगा, मूंग फैबेसी का है तो पाया जाएगा, पी फैबेसी का है तो पाया जाएगा, टबेको सोलेनसी का तो नहीं पाया जाएगा, ल्यूपिन फैबेसी का है तो पाया जाएगा, तो एक दो तीन चार पांच छह, छह में क्या पाया जा रहा है अपने पास मार्जिनल प्रेजेंटेशन। पेरिकार्प, पेरिकार्प जो होता है ओवरी वॉल, ओवरी वॉल डेवलप इनटू फ्रूट वॉल इज नोन एज पेरिकार्प, तो ये क्या हो जाएगा टू, देखो फ्रूट बनने के समय मतलब मैंने बोला आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट वॉल इज नोन एज पेरिकार्प, तो ए क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा टू, ए का क्या हो जाएगा टू, अब भी क्या हो जाएगा पैरथिनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो बी का वन, ए का टू बी का वन, और ओव्यूल जो होता है इट डेवलप इनटू सीड, द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। एंडोसोम क्या काम करेगा, न्यूट्रिशन, एंडोसोम क्या करेगा न्यूट्रिशन का काम करेगा, फ्रूट विद डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऑन सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस एंड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज गैमेटोजेनेसिस। द मेरिस्टेम दैट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ फ्रूट एंड शूट ऑफ मैनी प्लांट पर्टिकुलरली दोज प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड लेटर एंड अपियर लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टेम इज नोन एज, है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आने वाला कौन है, अपियर दैट लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टेम इज सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम बाद में पाया जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम बाद में पाया जाता है,
सेकेंडरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम बाद में पाया जाता है। रीड द फॉलोइंग कैटेगरीज, रीड द फॉलोइंग कैटेगरीज एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर टू विच दिस फीचर कॉरस्पॉन्ड। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल पैनकाइमस सेल विद इंटरस्टेलर स्पेस। बिल्कुल सही है। एंडोडर्मिस इज मेड अप सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल विदाउट एन इंटरस्टेलर स्पेस। बिल्कुल सही है। किसके लिए पूछा है, सही है गलत नहीं पूछा है, बताओ किसके लिए है ये सही है ना। फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैनकाइमस सेल फॉर्म पेरिसाइकल। बिल्कुल सही। किसके लिए बात करेंगे बाद में बात करूँ। विद दिस स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस। बिल्कुल सही। अपने वाला कंजक्टिव टिश्यू एंड 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। ये तो किसके लिए बात करा, डाइकॉट रूट के लिए बात करें, रूट के लिए बात करें, रूट के लिए बात करें, डाइकॉट रूट के लिए बात करा, जहाँ पे एक एक्सपीरियंस ट्रिप पाया था कि डाइकॉट रूट है। बिल्कुल देखो यहाँ पे टिट्टा, बिल्कुल बिल्कुल डाइकॉट रूट की बात कर रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन, इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल। सही बात है। इन ग्लाइकोजन राइट इन आर से, राइट आर से रिड्यूसिंग, यस आर से आर मिला आंसर पाओ। तो पहला सही है अपने पास, राइट इन इज रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट इन इज नॉन रिड्यूसिंग। सही बात है। इट इज अ ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सही बात है। इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट, प्लांट में स्टोर फॉर्म जो ग्लूकोज होता है स्टार्च होता है। देखो ये ब्रांच है, सेलेनियम से डायग्राम बना दिया ग्लाइकोजन का, ये ब्रांच तो है, बिल्कुल ब्रांच है। देखो अल्फा 1,4 के साथ अल्फा 1,6 लिंकेज पाया जा रहा है, तो ये ब्रांच है। और एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, एनिमल है एनिमल वेरिएंट, एनिमल हैज अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, जिसमें बताऊंगा कि अपने पास जो राइट इंड है इज रिड्यूसिंग, राइट इज रिड्यूसिंग, आर से आर को मिलाओ और आंसर पाओ, राइट इज इन रिड्यूसिंग। तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, गज जाएगा। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाउ द नंबर ऑफ मेटाबॉलिक स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। देखो 10 तो ग्लाइकोलाइसिस लग जाएंगे दो पाइरुवेट बनाने में, और उसके बाद जो पाइरुवेट है उससे एक स्टेप लग जाएगा लैक्टिक एसिड बनने में। तो टोटल कितना है, 11 स्टेप लगेंगे टोटल लैक्टिक एसिड बनने में ग्लूकोज से। द इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है ना, इज नंबर एंड एज ऑफ लीफ। सही है। एज ऑफ द लीफ एंड ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही है। इंटरनल सीओ टू फिक्सेशन और इंटरनल सीओ टू कंसेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल सही है। इंटरनल फैक्टर इसको क्या बोलते हैं, प्लांट फैक्टर। इंटरनल फैक्टर किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लांट फैक्टर। इंटरनल फैक्टर और प्लांट फैक्टर सेम है। देखो बोथ इंटरनल फैक्टर या फिर प्लांट फैक्टर, द प्लांट फैक्टर इंक्लूड द नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट का नंबर एंड इंटरनल सीओ टू फिक्सेशन। नंबर, साइज, एज, नंबर, साइज, एज, नंबर, साइज, एज, नंबर, साइज, एज, नंबर ऑफ मेसोफिल सेल, ओरिएंटेशन। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग, दैट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट विच यूटिलाइज फर्स्ट आर यू बी पी इन सीओ टू फिक्सेशन आर कॉल्ड सी थ्री प्लांट। प्लांट विच यूटिलाइज फर्स्ट आर यू बी पी इन सीओ टू फिक्सेशन इज सी थ्री प्लांट। बिल्कुल सही है। प्लांट विच यूटिलाइज फर्स्ट पी पी इन सीओ टू फिक्सेशन इज सी टू प्लांट, दे आर सी फोर प्लांट है ना, जिसमें पी यू पी जो प्राइमरी सीओ टू फिक्सेशन जो होता है वो फॉस्फिन और पायरेट का होता है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सी फोर प्लांट बोलेंगे। देखो सी फोर प्लांट में बंडल से सेल में नहीं, पहला इनिशियल सीओ टू फिक्सेशन होता है मेसोफिल सेल में, और उसमें क्या होता है फॉस्फोइन और पाइरुवेट क्या होता है, फिक्सेशन होता है, तो इसको सी फोर पाथवे बोलते हैं, सी फोर पाथवे नॉट सी टू। दूसरा लगा जाएगा कैम प्लांट लाइक स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ लीफ एंड फाउंड इन सी फोर प्लांट, यस एज फाउंड इन द सी फोर प्लांट। बिल्कुल सही है। वहाँ पे मेसोफिल में क्या होता है, इनिशियल सीओ टू फिक्सेशन और फाइनल सीओ टू फिक्सेशन दोनों मेसोफिल में होता है, लेकिन अलग अलग समय में होता है। CO4 फोटोसिंथेटिक पाथवे इज मोर एफिशिएंट देन C3 पाथवे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे CO2 की इफेक्टिव पंपिंग होती है, तो नो फोटो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे बात करेंगे साइड का फेमस चार्ट की, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। CO2 फिशन रेट इज हाई एट, CO2 फिशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, ये C4 है, ये C3 है। हाई लाइट कंडीशन में मीडियम हाई, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, उल्टा बोल दिया मैंने, ये C3 है, ये C4 है ना। तो लाइट है ना, कंस्टिट्यूट फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी,
हाई लाइट इंटेंसिटी में अपने पास हाई होगा C4 प्लांट में, मीडियम होगा C3 प्लांट में। वेदर फोटो एक्सप्रेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, नो नो, लो लाइट इंटेंसिटी में कहीं भी फोटो एक्सप्रेशन नहीं पाया जाएगा। वेदर फोटो एक्सप्रेशन इज प्रेजेंट इन हाई लाइट इंटेंसिटी, तो C4 प्लांट में तो कभी भी फोटो एक्सप्रेशन पाया जाएगा ही नहीं, लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी में C3 प्लांट में पाया जाएगा। वेदर फोटो एक्सप्रेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसेंट्रेशन, यहाँ पे हाई हो जाएगा, यहाँ पे तो कभी पाया जाता ही नहीं है। वेदर फोटो एक्सप्रेशन वुड बी प्रेजेंट इन हाई CO2 कंसेंट्रेशन, नो नो, दोनों में नो नो। मेज सुगरकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट, है ना, टेम्परेचर ऑप्टिमम जो होता है ना 30 से 40 होता है, नहीं नहीं 20 से 25 होता है, 20 से 25 होता है, 20 से 25 होता है, यहाँ पे 30 से 40 होता है। वीट राइस एंड बार्ले आर द एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट, वेयर मेज एंड सुगरकेन आर एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग ऑल एक्सेप्ट यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, जो लोअर एनिमल्स है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉमन होता है, तो यहाँ पे कॉमन होगा यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में, प्लांट विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कॉमन होगा, एनिमल विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कॉमन होगा, एनिमल विद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ए सेक्सुअल नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। द लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज इट टेक इन टू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल, नहीं 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 ये टू ये अकाउंट में नहीं लेता है ना, एक ऐसा स्पीसीज जो कि दो ट्रॉफिक लेवल पे बिलोंग करे उसको क्या नहीं करता अकाउंट, जैसे कि हमने बोला एक क्रो जो होता है वो क्या करता है हर्बीवोर भी हो सकता है और इंसेक्ट भी हो सकता है, इंसेक्ट खाने वाला भी हो सकता है, तो ये कार्निवोर भी हो सकता है, तो उसको दो लेवल पे प्लेस नहीं करता ये फूड चेन। इट अज्यूम अ सिंपल फूड चेन दैट इज मोस्ट कॉमन, नहीं नहीं इट अज्यूम अ सिंपल फूड चेन दैट इज नॉट कॉमन नेचर। सेप्रोफाइट एंड डिकम्पोजर ऑक्यूपाई लोअर लेवल इन द पिरामिड, नहीं यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है डिकम्पोजर स्पोरोफाइट के लिए, ये सारे लिमिटेड है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए था, यहाँ पे नॉन ऑफ द फॉलोइंग है, मतलब नॉन ऑफ द फॉलोइंग मतलब ऑल ऑफ द फॉलोइंग आंसर हो जाएगा इसमें। विच इन विच द फॉलोइंग इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इज अबाउट 55 मिलियन टन, प्रोडक्टिविटी इज अबाउट 55 मिलियन टन, कहाँ होता है ओशियन में, और हमने बोला टोटल जो होता है टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है, टोटल होता है 170 बिलियन टन, और उनमें से 115 जो होता है वो टेरेस्ट्रियल, और 70% एरिया कवर करने के बावजूद भी जो ओशियन होते हैं वो सिर्फ 55 बिलियन टन प्रोडक्शन शो करते हैं, है ना। देखो बोला है कि 170 बिलियन टन है ना, द प्रोडक्टिविटी द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन, जिसमें से 55 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी कौन शो करता है ओशियन। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, इनकरेक्ट पूछा है, बिल्कुल सही है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ फूड वेब एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चर एंड नॉट द फंक्शनल, गलत हो जाएगा, ये स्ट्रक्चरल भी है फंक्शनल भी है। पॉन्ड लेक एंड वेटलैंड्स, है ना, वेटलैंड्स क्या बोलता हूँ, किडनी ऑफ द प्लेनेट, और एमेजन रेनफॉरेस्ट क्या बोलता हूँ, लंग्स ऑफ द प्लेनेट, और एक्वेटिक इकोसिस्टम, सही बात है। देखो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, सेटने पहला टॉपिक ही लिखा है कि इसका ये स्ट्रक्चर भी है फंक्शन भी है। इकोसिस्टम इज विजुलाइज एज फंक्शनल ऑफ नेचर एज 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 स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों ही है, और इट कैन एज स्मॉल एज स्मॉलेस्ट माइक्रो, स्मॉलेस्ट बोलता है पॉन्ड, लेकिन पानी के बूंद के जितना भी छोटा हो सकता है, एंड सैडी ने बोला स्मॉलेस्ट बोला तो हमने बोला पॉन्ड बोलेंगे, स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम बोलते पॉन्ड बोलेंगे। इन अ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया द डिफरेंस इन द नेटिलिटी, इन अ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया द डिफरेंस इन द नेटिलिटी and mortality rate is zero in a particular year, but the population density has decreased. Which of the following may be the reason for that increase? है ना, क्या बोला है, population density क्या हो गया, decrease हो गया, population density decrease हो गया था, मतलब population में जो लोग थे वो चले गए, population में जो लोग थे वो चले गए, बिल्कुल चले गए, तो एग्जिट ज़्यादा हो जाएगा, एग्जिट मतलब इमिग्रेशन, ई से एग्जिट, ई से इमिग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा इमिग्रेंट्स से, ठीक है ना, इन मतलब इमिग्रेंट्स, तो एग्जिट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगा। विच इज नॉट ट्रू फॉर टेस्ट क्रॉस, F2 डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1:1:1, बिल्कुल, इट इज परफॉर्म टू
नो द एलील ऑफ जीन इन इंडिविजुअल, बिल्कुल जीनोटाइप पता लगाने के लिए अननोन फिनोटाइप का, फिनोटाइप के अननोन जीनोटाइप है ना, बिल्कुल जीनोटाइप को बताने के, डोमिनेंट फिनोटाइप का अगर हम लोग जीनोटाइप बताना है तो क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस टाइप ऑफ बैक क्रॉस, बिल्कुल सही है। डोमिनेंट ऑफ स्प्रिंग इन टेस्ट क्रॉस ऑलवेज होमोजाइगस, नहीं डोमिनेंट होमोजाइगस हेटरोजाइगस, उसको पता लगाने के लिए तो हमने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया, तो पता कैसे हो गया पहले से, गलत हो जाएगा ये पहला वाला। ए जी जी टी ए टी सी जी सी ए टी इज अ सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए, जो कोडिंग का है वही एमआरएनए का, इसको ऐसे देंगे सीएम छत्तीसगढ़ नहीं चीफ मिनिस्टर, जो कोडिंग का वही एमआरएनए का, जो कोडिंग का वही एमआरएनए का, बस किसके का मिट्टी की जगह में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा बस, तो बस अपने तरीके से भी याद सकता है, ये देख लेना नाम सी एम हो गया या फिर उल्टा कर दे तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए सी ए जी जी यू 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 ये इंपॉर्टेंट लेबलिंग होती है। कोडिंग स्टैंड ये नीचे वाला है, ऊपर वाला टेम्पलेट है, ये टर्मिनेटर है ना। कोडिंग के रेस्ट में 3 days में क्या टर्मिनेटर, कोडिंग के रेस्ट में 5 days में क्या प्रमोटर, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, अप स्ट्रीम में पाया था प्रमोटर और डाउन स्ट्रीम में पाया था टर्मिनेटर, कोडिंग के रेस्ट में 3 days में यहाँ रखना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच, द स्केलेट्स आर जॉइंट टू ईच अदर बाय थिक एंड हार्ड, नो नो थिन होता है, थिन होता है एंड फ्लेक्सीबल आर्थ्रोडल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडल मेम्ब्रेन कैसे होता है, आर्थ्रोडल मेम्ब्रेन कैसे होता है यार, आर्थ्रोडल मेम्ब्रेन की बात नहीं की क्या हमने यार, गलती हुई, चलो हमने आर्थ्रोडल मेम्ब्रेन कैसे होता है, थीन होता है और कैसे होता है नॉन फ्लेक्सिबल होता है, तो गलत हो जाएगा ये। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ फ्लाइंग विंग, गलत, हर में नहीं होता सिर्फ दो में होता है। इन कॉकरोच द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड न्यूक्लियस ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन, सही बात है। द कैटेस्टिक मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, नहीं नहीं ये 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट नहीं पाया था, 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पाया था। मशरूम ग्लैंड्स आर फाउंड इन द 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट, 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट क्या पाए जाएंगे, मशरूम ग्लैंड 6 to 7। और अपने पास जो यूरिकोस ग्लैंड है, फैट बॉडीज नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन, और कॉकरोच में जो एक्सक्रीशन है वो यूरिकोटेलिक है, मतलब क्या निकालेगा, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और फ्रॉग निकालता है यूरिया, दैट इज यूरोटेलिक फ्रॉग, अपने पास ये सही है बस। बोगेनविलिया एंड सिट्रस थॉर्न आर मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एंड इन कैक्टस इट इज द मोडिफिकेशन ऑफ लीफ, देखो थॉर्न प्लांट लाइक कोक्सिट्रस एंड बोगेनविलिया आर द मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड टेंड्रिल की लीफ स्पाइन फॉर डिफेंस इन कैक्टाई, कैक्टाई में जो स्पाइन है वो डिफेंस के लिए क्या हो गए, मोडिफाई हो गए। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्रेब साइकिल इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, गलत गलत गलत, देर इज ओनली वन रिएक्शन इन द क्रेब साइकिल वेयर Fe+ इज रिड्यूस टू Fe-S टू कब, जब सक्सीनेट से क्या बनता है, फ्यूमरेट, जब सक्सीनेट से क्या बनता है, फ्यूमरेट, तो पहला क्या है सही है। During conversion of succinyl coenzyme to succinic acid, a molecule of GTP synthesized, सही है। The cycle start with the reaction of acetyl coenzyme with pyruvic acid, नहीं नहीं, oxaloacetic acid is the first member of the Krebs cycle, pyruvic acid के साथ condensation नहीं करता, oxaloacetic acid जिसके 4 carbon होते हैं, इसके साथ 4 carbon होते हैं, जब इसके 4 carbon के साथ acetyl coenzyme को 2 carbon combine करते हैं तो क्या बनता है, citric acid बनता है, तो ये गलत हो जाएगा अपने पास। There is 3 reactions in the cycle where NAD+ is reduced to NADH+H+, सही है। द टिश्यू थिनिंग, द टिश्यू नहीं थिनिंग नहीं, द टिश्यू लाइनिंग द इनर सर्फेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक फिलोपियन ट्यूब इज सीडेड एपिथिलियम, ब्रोंक्यूल्स और फिलोपियन ट्यूब हॉलो ऑर्गन होते हैं ना, हॉलो ऑर्गन की लाइनिंग को कवर करने वाला, हॉलो ऑर्गन की लाइनिंग को है ना सीड एपिथिलियम, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, एपिथिलियम दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनर सर्फेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, ब्रोंक्यूल और फेलोपियन ट्यूब के इनर सरफेस में क्या पाते हैं, सीलिया, किसके, हॉलो ऑर्गन्स के, मूवमेंट में हेल्प करते हैं एक डायरेक्शन में। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन ऑकर मेनली बाय बाइनरी फ्यूजन, सही बात है। स्पोर्स आर फॉर्म इन अनफेवरेबल कंडीशन इन सम बैक्टीरिया ओनली, सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA और टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, सही बात है। देखो
अपने पास बोला गया है बैटर रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, सही है। दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं, ये स्पोर्स बनाते हैं। और यहाँ पे प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर देखने को मिलता है, तो सब सही है अपने पास। ओके विच द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इन विच वन ओके इन द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड एंड द अदर इज नॉट अफेक्टेड, है ना। नेगेटिव जीरो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, दैट इज नेगेटिव जीरो टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, दैट इज मेमेंसिलिज्म, जो कि एंटीबायोटिक्स में देखने को मिलता है ना। बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक बनाते हैं तो कुछ नहीं होता, जो बगल मरता है ना, जो दूसरा वाला है जो मर जाता है, खुद को कुछ नहीं होता, जीरो माइनस। ये वाला करेक्शन है यार, इसका आंसर बी होगा। देखो इन्होंने उल्टा दिया है, करेक्ट का एक्सप्लेनेशन भी वही है, हमारे जो बोला है वही है, एज इट इज़ है। तो इसका आंसर की में क्या है, करेक्शन है, इसका आंसर बी होगा, सी नहीं होगा, है ना। सबसे पहले क्या, तो इनिशिएशन होगा, उसके बाद मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफेज में, उसके बाद सिटोकॉन्ड्रिया सेपरेट हो जाएंगे एनाफेज में, और टू का क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम लूज देयर टेलोफेज में, ठीक है। क्या करें यार, जो टेक्नीशियन है जिसने आंसर सेट करने के लिए जिसको बोला टीचर ने, वो उसने ऐसा किया तो फिर क्या गलती टीचर की, कुछ नहीं है, होता है यार, बड़े शहरों में छोटी बात ही हो जाती है। हाउ मेनी द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, पाँच होंगे, चार बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं यार, करेक्शन यहाँ पे ये पाँच ही होगा। देखो इन्होंने बोला यीस्ट को नहीं मिला है ना, अब बिल्कुल मैं सोच ही था यही, स्पाइरुलिना, कॉमेलाइना, सॉरी क्लोरेला, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस और मशरूम को मिलाया है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने क्या नहीं मिलाया है, यीस्ट को नहीं मिलाया है, यीस्ट होगा, यीस्ट होगा। इसका आंसर एंटी है, अभी फोर्थ बोला लेकिन आंसर तो जाएगा पाँच।